हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या है? हमारी इंडियन इकोनॉमी मीन्स हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसके क्षेत्र के बारे में या उसके पार्ट के बारे में, सेक्टर के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हम अपनी इकोनॉमी को तब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब हम इसके कंपोनेंट्स मीन्स इसके पार्ट्स के बारे में और इसके जो भी सेक्टर हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उनके बारे में जब हम समझ जाएंगे तो हम अपनी इकोनॉमी को भी काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। हमारी इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं उनको कई पार्ट्स में उनको क्लासिफाई किया गया है, बहुत पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है और उनको कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज और पब्लिक और प्राइवेट। ये सारे पार्ट्स जिसमें इनको क्लासिफाई किया गया है, ये सारे पार्ट्स हमें बताएंगे कि किस सेक्टर में कौन से टाइप्स ऑफ सेक्टर में किस तरह की यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, हम अपने डेली बेसिस पे किस तरह के सेक्टर का काम करते हैं और इसका किस तरीके से हमारी पूरे इंडियन इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। पहला टॉपिक इस चैप्टर में दिया है सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ? हमारे जो भी आर्थिक प्रक्रिया होती है या कह सकते हैं क्रियाकलाप होती है, मीन्स जो भी एक्टिविटीज़, जो भी काम हम करते हैं, वो भी हमारे आर्थिक, मतलब जहाँ हम अर्निंग के पर्पस से करते हैं, ठीक है, तो उसके जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में इसमें इस टॉपिक में दिया है। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर, यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसा कि यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिल रहा है, ये देखिए, साथ ही साथ ये देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए और ये देखिए। तो यहाँ पे कई तरह के पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और ये सारे लोग जो हैं अलग अलग वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, जो अलग अलग तरह की एक्टिविटी, अलग अलग तरीके की काम को परफॉर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब जो हमारी आर्थिक क्रियाकलाप है या कह सकते हैं जो भी हमारी इकोनॉमिक से जुड़ी हुई, जहाँ हम पैसे का लेन, सामान का लेन देन, पैसे अर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे कई सारी ऐसी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और बहुत से पीपल जो हैं वो अलग अलग वेरियस वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड, इसमें से कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो गुड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, कुछ ऐसी हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। कहने का मतलब कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे दूसरों के लिए और कुछ ऐसे होंगे जो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ये सारे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ही पार्टिसिपेट करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक, इस तरह की एक्टिविटीज़ हर वक्त हमारे चारों ओर होती रहती हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं तो ये भी एक्टिविटी है ना, हमने भी क्या किया है, आपको एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या, हम एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर, आप मतलब हम भी सर्विस कर रहे हैं ना, तो एक तरह से क्या हुआ कि अगर हम सिर्फ बोल भी रहे हैं तो भी वो एक तरह से हमारी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटी, कैसे हम इस एक्टिविटीज़ को समझेंगे? वन ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब हम उनको अलग अलग ग्रुप में
एक डिवाइड कर देंगे, उनको ग्रुप दे देंगे और उनको क्लासिफाई करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया का यूज़ करके। दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स। इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, सेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये आके यहाँ पे बुक्स रद्दी वगैरह बेच रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये कूली है, ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये काम कर रही हैं एक तरह से, ये हमारे कॉटन को इकट्ठा कर रही हैं, तो ये भी एक तरह से क्या कर रही हैं, गुड का प्रोडक्शन कर रही हैं। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये बेच रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। और ये ईट बना रहा है, तो ईट बना रहा है तो एक तरह से ये क्या बना रहा है, गुड्स बना रहा है। तो हर कोई अलग अलग तरह की एक्टिविटी में इंगेज होता है, कोई ना कोई कोई भी काम करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती है। देखिए हमने जैसे आपको बताया था कि उनको क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीन भाग में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है हमारी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे तीन पार्ट्स में यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी, टर्शरी एंड दिस इज सेकेंडरी। अब प्राइमरी हमारी किसके अंदर आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आती है। किस सेक्टर के अंदर आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म होती है और प्रोड्यूस करती है हमारे नेचुरल गुड्स को। फिर सेकेंडरी जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और यहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। यहाँ से नेचुरल गुड्स प्रोवाइड करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में वो आके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स प्रोवाइड करते हैं। फिर टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट और उसके बाद जो भी और भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, बेचने का जितना ट्रांजेक्शन्स होता है, ये सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर्स में आते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे अदर सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प भी करते हैं, ठीक है। तो ये तीन ऐसे सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कि मैंने आपको बता दिया कि कौन सी एक्टिविटी किस में डिवाइड है। वी बिगिन बाई लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम स्टार्ट करते हैं ये देख कर के, अलग अलग काइंड्स, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने देखी। देर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाई डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको कि डायरेक्टली यूज़ कर किया जाता है, किसके थ्रू, नेचुरल रिसोर्स के थ्रू, ठीक है। टेक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। जब हम कॉटन की, रुई की खेती करते हैं, ठीक है, इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीज़न। ये कब बनता है, जब क्रॉप सीज़न होता है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट, जो हमारी रुई का प्लांट होता है उसकी ग्रोथ के लिए, वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली, हम उस पर डिपेंड होते हैं क्रॉप सीज़न पे, पर पूरी तरीके से नहीं। और नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, जो और भी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जैसे रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट, इन सब पे। द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़, इस जो भी हमारी ये प्रोडक्ट की एक्टिविटी होती है, कॉटन इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट। कॉटन क्या है, हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी, इसी तरीके से हमारी जो एक्टिविटी का केस होता है, जैसे डेयरी, डेयरी का जो केस होता है, वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस। डेयरी के केस में जहाँ पे दूध, गाय पाली जाती है और वहाँ दूध का कलेक्शन होता है, उस जगह पे जो हम लोग डिपेंड होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं एनिमल के,
एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर, और जो भी हम उनको चारा अवेलेबल कराते हैं उस पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो अच्छे से चारा खाते हैं और जो भी उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है एक एनिमल का वो अच्छे से होता है, तो ही हमें अच्छा मिल्क मिलता है। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या होता है, मिल्क, जो कि खुद भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, सिमिलरली मिनरल एंड ओट्स, और जो हमारे मिनरल्स और ओट्स होते हैं, ओट्स मीन्स कि वो जो मिनरल जो कि कंटेन करता है मेटल, जो कि काफ़ी वैल्यूएबल होता है किसी भी माइन के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी ओट्स और मिनरल्स होते हैं वो भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड्स बाय एक्सप्लॉयटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, हम कभी भी कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और किसी नेचुरल नेचुरल रिसोर्स का पूरी तरीके से उसको यूज़ करके किसी चीज़ को बनाते हैं, एक्सप्लॉयट करके अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा यूज़ करके हम किसी गुड्स को जब प्रोड्यूस करते हैं तो इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, तब वो क्या कहलाती है, हमारी प्राइमरी सेक्टर कहलाती है। ठीक है, वो एक्टिविटी हमारी जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर की होती है जब हम अपने नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। वाई प्राइमरी, प्राइमरी क्यों कहते हैं, दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट, क्योंकि ये फॉर्म करता है किस पे, जो और अदर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे ये बनता है, दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, जो कि हम बाद में उससे बनाते हैं। अब जैसे जाहिर सी बात है, आप नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके ना किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो नेचुरल रिसोर्स जो है हमारी वो क्या है, बेस हुआ किसी भी अदर प्रोडक्ट का, तो कहने का मतलब कि जिसको कि हम बाद में बनाते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, उसी तरीके से जो मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम कहाँ से पाते हैं, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे जो सेक्टर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, क्या कहते हैं हम इनको, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, जहाँ पे हमें क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट जो होता है हमें मिलता है। ठीक है, फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, इन सारे सेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, जहाँ पे सारी एग्रीकल्चर की चीज़ें, एक्टिविटीज़ आती हैं, जहाँ हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके किसी अदर प्रोडक्ट को बनाते हैं, और जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो हमारा बेस होता है किसी दूसरे प्रोडक्ट का। ठीक है, और जो हमारी नेचुरल रिसोर्स होती है वो पूरी तरीके से जब एक्सप्लॉयट होके, एक्सप्लॉयटिंग उसका करके हम एक किसी प्रोडक्ट को यूज बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहलाती है। फिर बात आता है सेकेंडरी सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो आते हैं हमारे। सेकेंडरी सेक्टर्स कवर एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या था कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता था, पर अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, ये कवर करता है उन एक्टिविटी को जहाँ पर इन विच नेचुरल प्रोडक्ट, वहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है अदर फॉर्म में। अभी हमने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके किसी प्रोडक्ट को बनाया, अब उस प्रोडक्ट का यूज़ करके हम उसको पूरी तरीके से चेंज करते हैं दूसरे फॉर्म में, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके एग्रीकल्चर में फार्मर ने क्या किया, वीट बनाया, वीट बना करके उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने मशीन लगाया था तो वीट से क्या बनाया उसने, उसका फॉर्म उसको पूरी तरीके से चेंज करके क्या बना दिया, आटा बना दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट का वो पूरी तरीके से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किसके थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, दैट वी एसोसिएट विथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो कि एसोसिएट करता है किससे, हमारे नेचुरल एक्टिविटीज से, हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, और ये जो होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमरी सेक्टर के बाद का,
द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर, और ये प्रोडक्ट जो है हमारा नेचर से प्रोड्यूस नहीं हुआ होता है, बट हैज़ टू बी मेड, पर इसको हम नेचर के चीज़ों से ही मिलाकर बनाते हैं, एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं. दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, इसको हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, अ वर्कशॉप और एट होम, या तो फिर वर्कशॉप या फिर कहीं होम घर पे. फॉर एग्ज़ाम्पल यूजिंग अ कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो जहाँ पे कॉटन फाइबर का यूज़ किया जा रहा है प्लांट से. वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ, और हम कॉटन फाइबर प्लांट से लेने के बाद क्या करते हैं, उसका ऊन बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, एंड देन उस ऊन से क्या होता है, क्लोथ बनता है. यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल, हम शुगर केन मीन्स गन्ने का क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, वी मेक शुगर और गुड़, उससे हम चीनी और गुड़ बनाते हैं. वी कन्वर्ट अर्थ इंटू ब्रिक्स, यहाँ तक कि हम अपनी अर्थ को भी कन्वर्ट कर लेते हैं ईंटों में, ब्रिक्स में, एंड यूज़ ब्रिक्स टू मेक हाउस एंड बिल्डिंग, फिर उस ब्रिक्स का क्या यूज़ करते हैं हम, बिल्डिंग और घर बनाने में. सिंस दीज सेक्टर्स ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, इस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं वो आज के समय में डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री से एसोसिएट मीन्स मिले जुले हो गए, एसोसिएट होने लगे हैं, दैट केम अप, जिससे वो क्या हो रहा है, वो ऊपर की ओर इंडस्ट्रीज जो है वो, ये सेक्टर्स और इंडस्ट्री दोनों ऊपर आ रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनको भी हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया, उन नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ करके हम उसको पूरी तरीके से चेंज और कन्वर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह में जाके बनती हैं इन सारी चीज़ें. और ये सारे सेक्टर्स जो होते हैं वो अब हर तरह के इंडस्ट्रीज़, जो अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे मिल चुकी हैं, एसोसिएट करती हैं, और ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं, और इन्हीं को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं. तो अभी बात हुई प्राइमरी सेक्टर की, देन सेकेंडरी सेक्टर की, अब बात आती है टर्सरी सेक्टर की. आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी. प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद आती है हमारी तीसरी कैटेगरी जो एक्टिविटीज़ की है, दैट फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर, जो कि आती है किसके अंदर, टर्सरी सेक्टर के अंदर आती है, एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, और ये तीनों से ही, ऊपर के दोनों सेक्टर्स से हमारी अलग है, कौन, तीसरी सेक्टर. These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. और ये जो हमारी तीसरी सेक्टर है, ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करती है डेवलप करने में. कहने का मतलब, अभी पहली और दूसरी जो थी वो तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, एक्टिविटी परफॉर्म करा रही थी कहीं ना कहीं, पर तीसरी जो है वो हमारी हेल्प करती है पहली और दूसरी सेक्टर को और ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट लाने के लिए. These activities by themselves do not produce a goods. ये सारी activities जो होती है वो खुद से किसी तरह का goods produce नहीं करती, but they are an aid or a support for the production process. पर ये क्या करती है, हमारे जितने भी production process हो रहे हैं primary और secondary में, उनको एक तरह से support provide करती है, ठीक है. For example, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाई ट्रक्स और ट्रेन. देखिए प्राइमरी सेकेंडरी में बन तो गया गुड्स, पर उसको सही जगह पर जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ वो बेचा जा सकता है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ट्रक्स की, ट्रेन्स की, और ताकि हम उसको ले जा करके होलसेल या रिटेल शॉप्स पर बेच सकें और उससे कुछ अर्न कर सकें. सिर्फ डेवलप करके, सिर्फ प्रोड्यूस, सॉरी, जब सिर्फ
प्रोड्यूस आप करोगे, सिर्फ प्रोड्यूस किए जा रहे हो किए जा रहे हो, उसका सेल नहीं कर रहे हो, उसको कहीं वहाँ नहीं पहुँचा रहे हो जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा और उस चीज़ को प्रोड्यूस करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें टर्सरी सेक्टर की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में, जैसे उसको ट्रक्स ट्रेन वगैरह प्रोवाइड कराता है, ताकि वो लोग ले जा करके, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर वाले लोग ले जा करके उसको सोल्ड कर सके होलसेल या रिटेल शॉप पे। एट टाइम इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन ए गोडाउन, पर एक समय पे ये भी ज़रूरी है कि आप उसको स्टोर करो कहाँ पे, गोडाउन में। क्योंकि देखिए, जब तक आप एक बार भेजोगे सामान को, या जब तक आप ट्रक या ट्रेन का इंतज़ाम करोगे, तब तक उस सामान को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना पड़ेगा ना। तो तब आपको क्या ये ज़रूरी होता है कि आप गोडाउन में उसको स्टोर करके रखो। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर और ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर, और ये हमारे लिए ये भी ज़रूरी होता है कि हम दूसरों से बात करें, चाहे टेलीफोन से या लेटर से कम्युनिकेशन करें उनके साथ, और बोरो मनी फ्रॉम बैंक, और पैसे उधार लें बैंक से टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ताकि हम अपने प्रोडक्शन और व्यापार में ट्रेड में हेल्प कर सकें। ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन बैंकिंग ट्रेड आर सम एग्जांपल ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़। टर्सरी एक्टिविटीज़ के एग्जांपल क्या क्या हो गए हमारे, ट्रांसपोर्ट के, स्टोरेज के, कम्युनिकेशन के, बैंकिंग के, ट्रेड के। ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को। सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी, वो क्या करती हैं, सर्विस जनरेट करती हैं, ना कि वो गुड्स। क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं आप, व्यापार कर रहे हैं, तो वो क्या है, सर्विस ही प्रोवाइड करेंगी। बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, तो ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप प्राइमरी सेकेंडरी को। ट्रांसपोर्ट के मामले में भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं टर्सरी सेक्टर जो हमारी होती है वो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस जनरेट करती है, बनाती है, ना कि वो गुड्स बनाती है। द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, जो हमारी तीसरी सेक्टर होती है उसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का अपना अपना रोल है प्रोडक्शन में, चाहे उसको सोल्ड करना हो उसमें, कहीं ना कहीं इन सब का अपना अपना रोल प्ले होता है। सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विस, सर्विस सेक्टर जो होता है हमारा, वो कुछ इम्पॉर्टेंट सर्विस भी इंक्लूड करता है। दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, जो कि हमें डायरेक्टली हेल्प नहीं करता गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू लीजिए, वी रिक्वायर टीचर और डॉक्टर एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विस। हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, टीचर डॉक्टर की, जो हमें प्रोवाइड करेगा पर्सनल सर्विस, सच एज जैसे कि वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स, जो भी हमारे प्रशासनिक कार्य करते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग वर्क्स को संभालते हैं। तो मतलब कहने के लिए ये सब क्या है, ये सारे लोग क्या हैं, इन लोग की हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये सारे हमारे डायरेक्टली हेल्प नहीं करते किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के, ये सारे हमें हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। वॉशरमैन जो कपड़ा धुलता है वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बार्बर जो हमारे बाल कटता है वो भी, कॉबलर, लॉयर, ये सारे लोग जो हैं हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन रिसेंट टाइम सर्टेन न्यू सर्विस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट कैफे। आज के समय में, रिसेंट टाइम में, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो बेस्ड हो गई हैं हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, जो कि इंटरनेट कैफ़े वगैरह में बैठ के आप उसका यूज़ कर सकते हो, सर्विस को आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे एटीएम बूथ वगैरह देख लीजिए, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एटीएम में जाओ, वहाँ से पैसे निकालो। अब तो एटीएम में आप पैसे जमा भी कर सकते हो, आपको बैंक में जाके लाइन लगाना नहीं पड़ेगा।
कॉल सेंटर्स वगैरह में, जहाँ आपको कभी एयरटेल की प्रॉब्लम आई, कहीं जियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आई, आपका नेटवर्क नहीं सही चल रहा है, आपने पैसा पे किया है पर आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो आप उनसे जाके कंप्लेन कर सकते हो। ये भी क्या है, सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि आप फ़ोन से कर सकते हो, आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ ये सारी क्या है, आपको अब कहीं और जा कर के अपना काम नहीं कराना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आप घर बैठे बैठे इंटरनेट का यूज़ करके अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे जो हैं हमारे लिए अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं, ठीक है। और ये सारे हमारे क्या हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये सारे जो हैं हमारे इम्पॉर्टेंट सर्विस हैं, सर्विस सेक्टर्स के, जो हमें डायरेक्टली हेल्प नहीं करते किसी प्रोडक्शन के गुड्स को, लेकिन फिर भी ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर ही कहलाएंगे। ये एक तरह से हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में हमें आ गया कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, को किसका किसके ऊपर रोल है। एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करता है, और टर्सरी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों पे। अगर टर्सरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं कर रही है, तो टर्सरी का कोई यूज़ होगा? नहीं होगा। जब तक प्राइमरी सेकेंडरी में वर्क होता रहेगा, तब तक टर्सरी भी उनको सपोर्ट करता रहेगा, हेल्प करता रहेगा। तो तीनों ओवरऑल एक दूसरे के ऊपर एक डिपेंडेंट है, ठीक है। जब वहाँ एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में नेचुरल गुड्स बनेंगे, तो ही आके इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनेंगे, और फिर तभी जाके टर्सरी सेक्टर जो है हमारा चलेगा, और हमारी और भी प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स को वो किसी तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू आर ग्रुप्ड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंडिपेंडेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमारी, वो ग्रुप किया गया थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में, जो कि हाईली इंटरडिपेंडेंट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो आपस में क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्जांपल और व्हाट डज दिस शोज। हम यहाँ एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, या वो एग्जांपल हमारा क्या शो कर रहा है। तो पहला देखते हैं, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन। आप इमेजिन करो कि किसी फार्मर ने ये मना कर दिया कि हम तुमको शुगर केन, गन्ना नहीं देंगे, जो कि एक शुगर मिल है जहाँ शुगर बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्री, उस मिल का अब बंद होना तो तय है। वो आने वाले समय में मिल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उसका क्या, इस एग्जांपल से आपको क्या शो होता है कि दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ये किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी सेक्टर का है, जिसमें यहाँ इम्पोर्टेंस किसकी है, मिल की, क्योंकि मिल जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि एग्जांपल जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर का है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी, और जो हमारी सेकेंड इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे प्राइमरी सेक्टर पे। अगर उसको शुगर केन मिलेगा ही नहीं तो मिल चलेगी कैसे, तो वो किस पे डिपेंड है, हमारे प्राइमरी पे, ठीक है। इमेजिन वॉट वुड हैपन टू कॉटन कल्टिवेशन इफ कंपनी डिसाइड नॉट टू बाई फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज। इमेजिन करिए कि कोई एक कॉटन की खेती होती है, ठीक है, और कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो उस इंडियन मार्केट से, उस कॉटन कल्टिवेशन की जगह से जहाँ हमारे एरिया में हो रहा है, वहाँ से ख़रीदने के बजाय वो क्या करेगी, बाहर के देशों से, अदर कंट्री से वो इंपोर्ट करेगी जो भी कॉटन की उसको रिक्वायरमेंट है। इंडियन कॉटन कल्टिवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल। तो क्या हो जाएगी, जो हमारी इंडियन की कॉटन की जहाँ खेती होती है, कल्टिवेशन होती है, वो क्या हो जाएगी, लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगी, एंड द फार्मर में इवन गो बैंक्रप्ट। और जो हमारा फार्मर होगा वो क्या हो जाएगा, बैंक्रप्ट हो जाएगा। इफ़ दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू अदर क्रॉप्स, अगर वो दूसरे
दूसरी चीज़ों की उपजाऊ ना करे, मतलब दूसरा क्रॉप्स ना अगर उगाने पे वो क्विक करे, स्विच करे, चेंज करे अपना, तो कॉटन प्राइस विल फॉल, तो उसके कॉटन की जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब कि अब देखिए बात ये हो रहा है कि जो एक कॉटन मिल है, कॉटन मिल डिपेंडेंट है किस पे, कि उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर आके खरीदे और वो अर्न करे मनी। पर अगर वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ये मना कर दे कि हम इंडियन मार्केट से नहीं खरीदेंगे, हम बाहर से मंगा लेंगे, तो फार्मर क्या हो जाएगा, बैंक्रप्ट हो जाएगा, उसका सामान नहीं बिकेगा, कॉटन की प्राइस घट जाएगी। उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि वो दूसरे क्रॉप्स की तरफ तुरंत स्विच करे, वरना वो बहुत ज़्यादा घाटे में चला जाएगा और उसको खाने के लिए भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे किस सेक्टर की बात हो रही है, प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है। ये एग्जांपल कहाँ का है, प्राइमरी सेक्टर का है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। और ये किस पे डिपेंडेंट है, ये हमारा डिपेंडेंट है सेकेंडरी सेक्टर पे, ठीक है। क्योंकि अगर सेकेंडरी सेक्टर उससे ख़रीदने के लिए राजी नहीं होती है तो फार्मर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। फार्मर बाय मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर, जो हमारी फार्मर है वो कई सारे गुड्स को ख़रीद रही है, जैसे कि ट्रैक्टर, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें एक फार्मर ख़रीदता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइज़र और पंप सेट गो अप, क्या होगा अगर फर्टिलाइज़र और पंप सेट का प्राइस जो है वो बहुत बढ़ जाए। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर विल राइज, तो क्या हो जाएगा कि जो खेती करने की सुविधाएं हैं फार्मर के लिए उसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, और जो फार्मर की जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि ये किस पर डिपेंडेंट है, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, और ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, फर्टिलाइजर और पंप सेट। ये लोग कहाँ से खरीदेंगे, ये लोग टर्सरी सेक्टर से, जो एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा डिपेंड करता है सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर दोनों पे। अगर वो वहाँ से नहीं चीज़ें लेगा और ट्रैक्टर्स वगैरह टर्सरी सेक्टर से उसको नहीं मिल पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, तो क्या होगा, उसकी सारी चीज़ें लॉस में जाने लगेगी और उसकी प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगी। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल सर्विसेज सेक्टर नीड्स फूड, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में, उनको खाने की ज़रूरत है। इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर, आप ये इमेजिन करो कि अगर जो ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, जो हमारे सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो उन्होंने स्ट्राइक कर लिया एंड लॉरीज रिफ्यूजेस टू टेक अ वेजिटेबल, और जो लॉरीज हैं जो सब्जी लेते हैं, मतलब बेचने वाले होते हैं, वो लोग रिफ्यूज़ कर दें कि वो वेजिटेबल, मिल्क, ये सारी चीज़ें खरीदेंगे, तो रूरल एरिया से वो ख़रीदने के लिए मना कर दें, तो फूड विल बिकम अ स्केयर्स इन अर्बन एरिया, तो हमारे सिटीज़ में, अर्बन एरिया में फूड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्केयर्स हो जाएगी, वहाँ कमियाँ आ जाएंगी। वे फार्मर विल बी अनएबल टू सेल देयर प्रोडक्ट, और फार्मर जो होंगे वो हमारे अपने गुड्स को, प्रोडक्ट्स को बेचने में असमर्थ होंगे। तब क्या होगा, ये हमारा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, और ये डिपेंड करता है हमारे प्राइमरी सेक्टर पर। कैसे, क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर वाले फूड प्रोवाइड नहीं करते हैं तो टर्सरी और सेकेंडरी वाले खाएंगे क्या, तो दोनों ही डिपेंड किस पे करते हैं, प्राइमरी पे। वाइल प्राइमरी सेक्टर डिपेंड ऑन टर्सरी, जबकि प्राइमरी सेक्टर डिपेंड है किस पे, टर्सरी सेक्टर पे, दिस मीन दैट ऑल सेक्टर आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। कैसे, प्राइमरी जो है वो टर्सरी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही नहीं आएगा, लॉरीज वहाँ पे मिल्क वेजिटेबल खरीदने के लिए मना कर देंगे, तो वो बेचेंगे कैसे, तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है, टर्सरी पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे तीनों सेक्टर जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर, जो हमारे तीन सेक्टर्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना। ठीक है, अभी तक हमने तीन सेक्टर्स के बारे में जाना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और उनमें किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, कैसे वो आपस में एक दूसरे से डिपेंड हैं, कि अगर एक ढंग से काम ना करे तो दूसरे का भी काम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहने का मतलब कि इंटरडिपेंडेंस हमने देखा, अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तीनों सेक्टर्स को। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारी वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर, वो प्रोड्यूस करती हैं काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, वो क्या है, ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, और जो तीनों सेक्टर्स हैं उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो काम कर रहे हैं उनके साथ, टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि उस गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रोड्यूस कर सके। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। दूसरा, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये देखें कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कितने लोग उस सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इन एन इकॉनमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर। इस इकॉनमी के अंदर जो हमारे एक या एक से ज़्यादा सेक्टर्स हैं, विच आर डोमिनेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन, जो कि क्या है, प्रभावी हैं, प्रभावशाली हैं, जो टोटल प्रोडक्शन है हमारी और जो एम्प्लॉयमेंट है उस पे, वाइल अदर सेक्टर आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, और जो दूसरी तरफ दूसरे सेक्टर्स हैं हमारे वो काफ़ी रिलेटिवली स्मॉल हैं साइज में। ठीक है, जो इकोनॉमी के अंदर वन और मोर सेक्टर्स की बात कर रहा है जो कि प्रभावशाली हैं हमारे टोटल प्रोडक्शन पर, वो कैसे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी अफेक्ट होती है। ठीक है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। कैसे हम काउंट करें वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को, और कैसे हम ये जाने कि टोटल प्रोडक्शन कितना है हर एक ईच सेक्टर्स में। विथ सो मैनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, यू माइट थिंक दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। तो आपको ये लगता होगा कि ये क्या है, काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क है कि हम ये जाने कि हर सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है। Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars. कहने का मतलब कि जैसे जो टास्क वहाँ परफॉर्म किए जा रहे हैं वो काफ़ी बिग हैं, तो आपको ये आपने ये कभी वंडर किया है या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे हम इसमें एड अप करें कार्स एंड कंप्यूटर्स और नेल्स एंड फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ों को, इट वुड नॉट मेक सेंस, क्या ये किसी तरह का सेंस बनाता है। यू आर राइट इन थिंकिंग सो, आप सही हैं सोचने में। टू गेट अराउंड दीज प्रॉब्लम, आपके अगल बगल आप इस तरह की प्रॉब्लम्स पाएंगे। इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक्स जो है हमारे, जो हमारे इकोनॉमिक्स के साइंटिस्ट वगैरह हैं वो सजेस्ट करते हैं, जो हमारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होती है शुड बी यूज रेदर देन एडिंग अप, उनका यूज़ किया जाता है उनको ऐड करने से ज़्यादा जो एक्चुअल नंबर होती है उनमें। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ 10,000 kg ऑफ वीट, आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि अगर 10,000 किलो का जो वीट है उसको बेचा जाए 20 रुपये पर kg पे, ठीक है, और कितने kg हैं, 10,000 kg हैं, द वैल्यू ऑफ वीट विल बी कितना हो जाएगा हमारा, 2,00,000 रुपये। अगर 10,000 किलो वीट को हम 20 रुपये kg पे बेचते हैं तो 2,00,000 रुपये उस वैल्यू हो जाएगी वीट की। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट, जो 5,000 कोकोनट हैं उनकी प्राइस जो है 15 रुपये पर कोकोनट हुई,
तो उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कोकोनट की, 75,000 की हो जाएगी। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर, इसी तरीके से जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं तीनों सेक्टर की, आर कैलकुलेटेड एंड देन एड अप, उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड उसके बाद उसको ऐड कर लेंगे। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन, आपको ये ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे एक प्रिकॉशन लें। वन हैज़ टू टेक, नॉट एवरी गुड्स और सर्विसेज दैट इज़ प्रोड्यूस, हर एक गुड्स जो और सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, और उनकी जो सोल्ड हो रही है, जो उनको बेचा जा रहा है उसको ज़रूरी नहीं है, उसकी ज़रूरी है कि हम उसको काउंट करें, ठीक है। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द, ये तभी सेंस बनाता है जब हम इंक्लूड करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो बेचे जा रहे हैं, उनको हम काउंट करें। ये सेंस तभी बनाते हैं जब हम इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल वीट, एक फार्मर है जो कि वीट सेल कर रहा है टू अ फ्लोर मिल, किसको, जहाँ आटा बनाने वाली मिल होती है, फैक्ट्री होती है, उसको, फॉर 20 रुपीज़ पर केजी, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। द मिल ग्राइंड द वीट, और मिल ने क्या किया, वीट को ग्राइंड किया, एंड सेल द फ्लोर, और आटे को बना करके बेचा टू अ बिस्किट कंपनी, फिर उसने किसको बेचा, बिस्किट कंपनी को आटा बेचा, फॉर 25 रुपीज़ पर केजी, 25 रुपये पर केजी पे। द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल, और बिस्किट कंपनी ने आटे का, शुगर का और ऑयल का यूज़ करके बनाया, मेक अ 4 पैकेट ऑफ बिस्किट, उसने 4 पैकेट बिस्किट के बनाए। इट सेल बिस्किट इन द मार्केट, उसने बिस्किट को मार्केट में बेचा टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को 80 रुपये पर पैकेट, जो कि 20 रुपये पर पैकेट था। उसने 4 पैकेट बिस्किट बनाए, चारों बेचे 80 रुपये में, और पर पैकेट उसने 20 रुपये दाम रखे। तो बिस्किट आर द फाइनल गुड्स, तो बिस्किट क्या है हमारा, फाइनल गुड्स कहलाया। जो आटा, जो आपने वीट उगाया, जो आपने आटा बनाया, जो आपने उसको बेचा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सारे हमारे फाइनल गुड्स नहीं कहलाएंगे, ये सारे हमारे रॉ मटेरियल कहलाएंगे एक दूसरे के लिए। वीट जो है वो फ्लोर मिल के लिए क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल कहलाएगा। बिस्किट कंपनी के लिए आटा, शुगर, ऑयल, ये रॉ मटेरियल कहलाएगा। फिनिश गुड कौन सी होती है हमारी, बिस्किट, जो फाइनली जिसको हमें बनाना है, बिस्किट बननी है, तो बिस्किट हमारी क्या होगी, फाइनल गुड्स, जो कि रीच करती है, पहुंचती है कंज्यूमर तक, वो हमारी फाइनल गुड्स कहलाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर तक पहुंचती है वो ही हमारी फाइनल गुड्स कहलाती है। उस बीच में उन सारी गुड्स का कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए रॉ मटेरियल होती है, ठीक है, जिनका यूज़ करके वो कुछ और मैन्युफैक्चर करते हैं। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करें। इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज अ वीट, जो हमारी फाइनल गुड्स के कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो गुड्स जो है हमारा, जो वीट है, एंड द वीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल, जो वीट फ्लोर है वो क्या एक एग्जाम्पल है, इंटरमीडिएट गुड्स, ये बीच के क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट गुड कहलाएंगे, ठीक है। जो आटा और वीट था वो हमारे क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, मीन्स मध्यवर्ती सामान, बीच का सामान जिसको कहते हैं, मीन्स दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो ये रॉ मटेरियल भी कहलाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ फाइनल गुड्स, जैसे रॉ मटेरियल का यूज़ करके गुड्स बनाया जाता है, वैसे ही इंटरमीडिएट गुड्स का भी यूज़ करके फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स, और जो भी हमारा फाइनल गुड्स बनता है
वो हर तरह के वैल्यू को, मतलब कि जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू होते हैं उनको ऑलरेडी इंक्लूड कर लेता है। कहने का मतलब फार्मर से वीट चला, उसने जितने पे बेचा वो पैसा, फ्लोर मिल में जितने ने ख़रीदा जितने में बेचा वो पैसा, देन उसके बाद बिस्किट बनाने में जितने लगे खर्चे, ये सारी अमाउंट को वो इंक्लूड कर लेता है फाइनल गुड के अंदर, जब भी वो फाइनल गुड को बनाता है। हैंस द वैल्यू ऑफ 80 रुपीज़ फॉर द बिस्किट, तभी वहाँ पे 80 रुपये बिस्किट के रखाए थे फाइनल गुड्स एज अ फाइनल गुड्स। ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर, उसमें ऑलरेडी फ्लोर का आटे का वैल्यू ऐड है 25 रुपये। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स, इसी तरीके से हर इंटरमीडिएट गुड, बीच के जितने सामान होते हैं, वुड हैव बीन इंक्लूडेड, उनके जो प्राइस होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे सामान को इंक्लूड किया जाता है वैसे उनके प्राइस को भी इंक्लूड किया जाता है। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड वीट, ताकि हम अपने फ्लोर और वीट का भी काउंट कर सकें। देखिए आप ही कहते हो ना कि जो चीज़ हमें यहाँ पे 12-13 रुपए की मिल रही है वो आप अगर वहाँ डायरेक्ट प्रोडक्शन की जगह से उठाते हो तो वो आपको ऑलमोस्ट 5 या 4 की पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो तब वो आपको डायरेक्ट सेल कर रहा है, पर आपसे बीच में, आप तक पहुंचाने वाले बीच में जितने इंटरमीडिएट होते हैं जैसे रिटेलर, होलसेलर, ये सब अपना पैसा थोड़ी छोड़ेंगे, ये लोग भी तो कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। तो कहने का मतलब धीरे धीरे आप तक आते आते गुड्स की प्राइस इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट गुड्स के साथ साथ इंटरमीडिएट पीपल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो अपने भी कमा रहे होते हैं। इसलिए आपको गुड्स, फाइनल गुड्स जो मिलता है हम लोगों को, कंज्यूमर को, वो हमेशा महंगा होता है। ठीक है, कोई भी शॉपमैन आपको ये कहे कि वो डायरेक्ट आपको उस भाव में बेच रहा है जिसमें, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस भाव में, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने पॉकेट से कभी नहीं देते, वो लोग क्या करते हैं उसमें ऐड किए जाते हैं। वो भी जैसे ख़रीद रहे हैं अगर होलसेलर से, तो होलसेलर भी अपना पैसा रख के दे रहा है उनको, तो उनको जितने में पड़ता है वो उसमें कुछ प्रॉफिट रख के आपको बेचते हैं। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है, एक पूरी चेन है जिसके अंदर ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। ठीक है, टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड वीट ओवर अ लॉन्ग सेपरेटली, जो हमारे वीट और फ्लोर का जो प्राइस होता है वो क्या किया जाता है, उसको सेपरेटली उसमें काउंट कर लिया जाता है। इज़ देयर फॉर नॉट करेक्ट, जो कि ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू फॉर द सेम थिंग, क्योंकि फिर हम क्या करने लगते हैं, सेम चीज़ों का काउंटिंग करने लगते हैं अ नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार। ठीक है, फर्स्ट एज अ वीट, देन एज अ फ्लोर, एंड देन फाइनली एज अ बिस्किट। हम पहले वीट का काउंट करने लगते हैं, फिर फ्लोर का, और देन उसके बाद बिस्किट का, पर ऐसा नहीं है, उस बिस्किट में ही वीट और फ्लोर का दोनों का दाम जो है वो ऑलरेडी सम अप होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर जो भी गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, पूरे एक साल के अंदर, प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सर्विस फॉर दैट ईयर, तब वो जो पूरे साल भर में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं पूरे टोटल प्रोडक्शन को उस सेक्टर के पूरे साल भर के अंदर। ठीक है, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर, और जो हमारी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तीनों सेक्टर की मिला करके, वो क्या हमें देती है, व्हाट इज कॉल्ड द क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीनों सेक्टर का जब हम प्रोडक्शन मिला लेते हैं आपस में तो हमें GDP मिलता है, मीन्स क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब GDP क्या होता है, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा मेज़र करता है मॉनेटरी वैल्यू को। ठीक है, पैसे में जो वैल्यू होती है किसी भी फाइनल गुड्स और सर्विस की, उसको क्या करता है, वो मेज़र करता है, दैट इज़ दोज दैट आर बॉट, जो कि हम खरीदते हैं जो हमारे फाइनल यूज़र्स के द्वारा या फाइनल ईयर में उसको खरीदा जाता है। ठीक है, मतलब जो हम फाइनल यूज़र होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, जो लोग ख़रीदते हैं उनकी वैल्यू को वो क्या करता है,
मेजर कर लेता है, फाइनल गुड्स की मॉनिटरी को जीडीपी हमारा मेजर कर लेता है, जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे कंट्री के अंदर पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम में जो कि वहाँ पे मिलता है, जैसे या तो पूरा एक साल या तो फिर क्वार्टर। बहुत से जगह पे जीडीपी क्वार्टर पे मेज़र होती है और बहुत से जगह पे ईयरली मेज़र होती है, ठीक है। जीडीपी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए कंट्री, तो मतलब तीनों अगर सेक्टर का प्रोडक्शन अगर हम सम अप कर दें तो हमें जीडीपी मिल जाता है कंट्री का। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ये क्या है हमारे वैल्यू है हर फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का जो कि प्रोड्यूस किया जाता है विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, जो कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर होता है। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, और इसी जीडीपी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कितनी बड़ी है। इन इंडिया द मैमूट टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, जो जीडीपी को मेजर करने का टास्क है वो काफ़ी बड़ा माना जाता है, विशाल माना जाता है, बड़ा कार्य माना जाता है। जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि जीडीपी होता है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू देखा जाता है। दीज मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट, जो ये मिनिस्ट्री है वो हेल्प करती है अलग अलग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू फॉर ऑल द इंडियन स्टेट, जो हमारे सारे इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनके साथ मिलकर के कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मिलके उनके साथ सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि रिलेट करता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू के साथ एंड देयर प्राइस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी, और जिस उस गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी प्राइस होती है उसको फिर उसके बाद कलेक्ट करने के बाद उसके वॉल्यूम को कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है एस्टिमेट करता है हमारे जीडीपी को, और इस तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को जीडीपी मिल जाती है। जब वो सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट वाले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले लोगों के साथ मिल करके सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती है जो कि रिलेट करता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वॉल्यूम और उसके प्राइस को, देन उसके बाद उसको एस्टिमेट करके वो जीडीपी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, जो हमारे क्षेत्र हैं जो हमारे सेक्टर्स हैं उनके अंदर किस तरीके का हिस्टोरिकल चेंजेस आया है, पहले से क्या चेंजेस आए हैं, इस बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मैनी, जनरली हम ये नोट करते हैं अपनी हिस्ट्री जो बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं उनमें। नाउ डेवलप्ड, हमारी जो आज की कंट्री है वो क्या है डेवलप्ड है। That at initial stage of development, ये कहाँ पे है हमारे initial stage पे है development के। Primary sector was the most important sector of economic activity, जो हमारी primary sector है means agriculture sector जो है हमारी वो सबसे most important sector है हमारी economic activity की, क्योंकि वहाँ से अगर work नहीं शुरू होता है तो हमारी primary, secondary और tertiary दोनों ही worthless होते हैं, ठीक है। As the method of farming change, जैसे जैसे farming का खेती का जो भी हमारे methods change हुआ, agriculture sector began to prosper, जो हमारी agriculture sector थी वो जो हुई वो prosper हो गई means succeed हो गई, किसमें material terms में, ठीक है। It produced much more food than before, वो अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर लेती है पहले के मुकाबले। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, अब जो बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करने लगे हैं। देयर वर इंक्रीजिंग अ नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन, इसके ही हेल्प से क्या हुआ पहले से ज़्यादा अब क्या है क्राफ्ट पर्सन भी उनकी भी जो नंबर है वो बढ़ गई है। एंड ट्रेडर्स, ट्रेडर्स भी जो हैं हमारे वो काफ़ी पहले से इंक्रीज कर गए। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मेनी टाइम्स, और जो हमारा ख़रीदना बेचने वाला जो एक्टिविटी है कार्य जो है, ठीक है, वो भी काफ़ी टाइम तक बढ़ चुका है, इंक्रीज हो गया है। बिसाइड देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स
एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी, ईटीसी, ये सब भी जो है हमारे ट्रांसपोर्टर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी, ये सारे भी हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। हाउएवर एट दिस स्टेज, इस समय आज के स्टेज पे मोस्ट ऑफ़ द गुड प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे जो गुड्स हैं, जो मोस्ट ऑफ़ द गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को, ठीक है, फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, जो कि प्राइमरी सेक्टर के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। एंड मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में बहुत सारे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं आज के समय में। ओवर अ लॉन्ग टाइम मोर देन 100 ईयर, जो हमारे 100 ईयर से ज़्यादा जो टाइम हुआ, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे नए नए मेथड्स को मैन्युफैक्चरिंग में इंट्रोड्यूस किया गया, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, और जो हमारी फैक्ट्रीज थी वो बढ़ने लगी और स्टार्ट करने लगी एक्सपेंड होने में। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन ए फार्म, जो लोग पहले फार्म में काम करते थे, नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज, अब वो क्या करने लगे, फैक्ट्रीज में भी काम करने लगे इन लार्ज नंबर्स, बड़े पैमाने पे। दे वर फोर्स टू डू सो, उनको इस तरह का फोर्स भी किया गया ऐसा करने के लिए। एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर, जो कि आप अपने हिस्ट्री चैप्टर्स में पढ़े होंगे या पढ़ोगे, पीपल बिगिन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स, लोग जो है वो यूज़ करने लगे ज़्यादा ज़्यादा गुड को, दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, जो कि वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने लगे और चीप रेट पे, कम प्राइस में उसको प्रोड्यूस करने लगे। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर हुई वो भी तब जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन गई जब हमारे टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के मामले में। हेंस ओवर अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस, और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है एक काफ़ी शिफ्ट हुआ उस जगह पर। दिस मीन दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैड चेंज, और जो हमारी सेक्टर की जो इम्पॉर्टेंस थी पहले प्राइमरी की थी, देन उसके बाद सेकेंडरी की बन गई, इम्पॉर्टेंस जो हमारी सेक्टर की चेंज हो गई, प्राइमरी से सेकेंडरी जो हमारी इम्पॉर्टेंट हो गई। इन द पास्ट 100 ईयर, पिछले 100 साल जो हमारे बीते हैं, देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी, और उसके बाद जो 100 साल हमारे बीत चुके हैं उसके बाद जो फर्दर एक बार और फिर शिफ्ट हुआ सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्री, जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर थी वो तीसरे सेक्टर की इम्पॉर्टेंस हो गई और जो कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हुआ। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो हमारी सर्विस सेक्टर हो गई वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन, जो कि टोटल प्रोडक्शन के टर्म्स में। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो काम करते थे वो एम्प्लॉयड होने लगे सर्विस सेक्टर के अंदर। दिस इज़ जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप कंट्रीज, ये एक जनरल पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, देखा गया डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, अब टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट क्या है इन द थ्री सेक्टर इन इंडिया, जो हमारी तीनों सेक्टर हैं इंडिया की उसके अंदर। ओवर द ईयर हैव देयर बीन चेंजेस, समय के साथ साथ, साल के साथ बीतते बीतते यहाँ पे काफ़ी चेंज आया, सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व, जैसे कि हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया फॉर द डेवलप कंट्रीज, वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। हमारी जो पीछे हमने पहले बात किया था हमारी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स हैं, अब उनका इंडिया में क्या है इस बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है ग्राफ वन शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये जो ग्राफ वन है हमारा, जहाँ पे हमें जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर
सेकेंडरी सेक्टर का देखने को मिल रहा है। इस ग्राफ में हमें गुड्स के प्रोडक्शन के बारे में और सर्विस के प्रोडक्शन के बारे में तीनों सेक्टर के अंदर दिखाया जा रहा है। दिस इज शोन फॉर 2 ईयर्स, इसको शोन किया गया है 2 सालों के लिए, जिसमें कि 1973 and 74 and 2013 and 14। वी हैव यूज़ द डेटा फॉर दीज 2 ईयर्स, हम इस दो सालों के डेटा को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज द डेटा आर कंपेरेबल एंड ऑथेंटिक, क्योंकि ये जो डेटा है वो कंपेरेबल है और साथ साथ ऑथेंटिक भी है। ठीक है, यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर अ 40 ईयर, आपको देखने को मिलेगा कि ये 40 साल के अंदर किस तरीके का ग्रोथ हुआ है। देखिए, ब्लू वाला क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर है, और सेकेंडरी रेड है, और टर्शरी ग्रीन है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है हमारा 1973-74 इंडिकेट कर रहा है, और ये 2013 and 14। इसमें देखिए कि प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा 5 लाख से भी काफ़ी कम है। 5 लाख जो ये रुपीज़ है, ये करोड़ में दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना है, 5 लाख करोड़ से भी कम के अंदर प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता था। सेकेंडरी सेक्टर में जो है हमारा 5 लाख करोड़ के आसपास लमसम होता था, और जो हमारा टर्शरी सेक्टर था वो हमारे 5 लाख करोड़ के ऊपर, अराउंड 6 लाख टू या 6.5 लाख करोड़ के आसपास था। और 2013-14 के अंदर हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो ऑलमोस्ट आई थिंक 8.5 या फिर 9 लाख के अराउंड जो है हमारा, करोड़ के अराउंड, ये इतना बढ़ा। उसी तरह सेकेंडरी जो है वो ऑलमोस्ट 2 के आसपास 2 से ज़्यादा ही है। इस उसके बाद फिर हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो 55 के अराउंड आ गया। तो कहने का मतलब ये दिखा रहा है आपको कि ईयरली 40 साल के अंदर कितना ज़्यादा प्रोडक्शन से लेकर रिलेटेड ग्रोथ हुई थी। किस आपको यहाँ पे राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, अब आप यहाँ पे पढ़ोगे कि क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखाई गई है जो यहाँ पे राइज किया हमारा टर्शरी सेक्टर प्रोडक्शन के अंदर, देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उस ग्राफ में टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ। पहले भी 1973-74 में भी सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर था, और 2013-14 में भी सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर ही दिखा। ओवर द 40 ईयर बिटवीन 1973-74 and 2013-14, 40 साल के बीच में, वाइल प्रोडक्शन इन ऑल 3 सेक्टर, जो प्रोडक्शन था तीनों सेक्टर के अंदर वो इंक्रीज हुआ, इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर, सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। एज अ रिजल्ट इन ईयर 2013, एक रिजल्ट की तरह 2013-14 के अंदर द टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज अ लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर, और जो टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो किया वो हमारे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के अंदर एमर्ज कर दिया गया। किसको, टर्शरी सेक्टर को, इन इंडियन रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर को वो रिप्लेस कर रहा था। Why is the tertiary sector become so important in India? अब क्यों tertiary sector इतना important हो गया इंडिया के अंदर? There could be several reasons. यहाँ पे कई सारे reason थे. First, in any country, several service, किसी भी country के अंदर service जो है, several service such as a hospital, educational institutes, post and telegraph service, police station, court, village, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। इन द
तरह की हर जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली चीज़ें हैं वो जिनका काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगा, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ बेसिक सर्विस। इनको हमने फिर धीरे धीरे बेसिक सर्विस में कंसीडर करने लगे, हम इनको बेसिक सर्विस देखने लगे। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। और जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज थी वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली इन सारी सर्विसेज को के प्रोविज़न के लिए। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो दूसरा हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट था, लीड टू बी डेवलपमेंट ऑफ सर्विस, जो कि लीड करने लगा हमारे सर्विस के डेवलपमेंट में। ठीक है, सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक। इस तरीके से जैसे कि जो सर्विस के डेवलपमेंट में वो दिखने लगा, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक, इस तरह के और भी जितने सर्विस थे वो सारे। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी की डेवलपमेंट थी, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज, उससे ज़्यादा डिमांड थी हमारे इन तरह की सर्विसेज के लिए। थर्ड, एज अ इनकम लेवल राइज, जो हमारी तीसरी थी इनकम लेवल राइज की, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, जो हमारे सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल थे उनकी स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज, और उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया और ज़्यादा सर्विसेज की, जैसे ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जैसे कि उनकी इनकम बढ़ी, उन्होंने डिमांड बढ़ा दी, उन्हें बाहर जाके खाना पसंद आने लगा, उस टू घूमने पसंद आने लगा, शॉपिंग पसंद आने लगी, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों की वो डिमांड करने लगे। तो इस तरह से सर्विस को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। यू कैन सी दिस द चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़, ये आप अपनी सिटीज़ के अंदर इस तरह का चेंज जो है देखोगे, स्पेशली इन बिग सिटीज़, जहाँ पे बड़ी बड़े शहर्स हैं वहाँ पे। फोर्थ, ओवर द पास्ट डेकेड, पिछले 10 साल जो बीते हैं हमारे, सर्टेन न्यू सर्विस सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे नए सर्विसेज जो आए हमारे जो कि बेस्ड थे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पर, हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल, जो कि वो इम्पॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण बन गए। ठीक है, ज़रूरी और महत्वपूर्ण बन गए। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बिन राइजिंग रेपिडिटली, जो इन तरह की सर्विसेज का प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे काफ़ी तेज से बढ़ने लगा। इन चैप्टर 4 वी शैल सी एग्जाम्पल, चौथे चैप्टर में हम इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इन नए सर्विसेज का क्या रीज़न था बढ़ने का, फॉर द एक्सपेंशन, उनका क्या एक्सपेंशन के पीछे उनका रीज़न क्या था। हाउएवर, यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इक्वली वेल। जैसा कि आपने ये देखा, आपको रिमेंबर होगा, आपको याद होगा कि जो हर सर्विसेज सेक्टर्स थी वो इक्वली मतलब इक्वली एक साथ ग्रो नहीं किए अच्छे तरीके से। सर्विस सेक्टर इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो सर्विस सेक्टर था, इम्प्लॉयज़ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, उन्होंने अलग अलग लोगों को एम्प्लॉय किया। एट वन एंड देयर इज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विस, और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज थी जो एम्प्लॉय किए हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स को। एट द अदर हैंड देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ वर्कर, और दूसरी तरफ जो था वहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ़ वर्कर जो कि इंगेज हुए इन सर्विसेज सच एज अ शॉपकीपर, जो कि स्मॉल शॉपकीपर्स थी वहाँ पे, रिपेयर पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स, ये सारी सर्विसेज में वो लोग इन्वॉल्व होने लगे, इंगेज होने लगे। दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग, और फिर ये लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाते थे अर्न करना अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। एंड येट दे परफॉर्म दिस सर्विस, और उसके बावजूद वो उस चीज़ों उस सर्विसेज को परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम, क्योंकि वहाँ पे और कोई ऑप्शंस नहीं था उनके पास, या और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो उसको छोड़ के कोई और काम कर सके, उनके पास ऐसी और कोई एक्टिविटी अवेलेबल नहीं थी। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उस सेक्टर्स में ही वहाँ पे जो ग्रो हो रहा था वो इम्पॉर्टेंट हो गया था। यू शैल रीड मोर अबाउट इन द नेक्स्ट सेक्शन, आप इसको नेक्स्ट सेक्शन में और डिटेल में पढ़ोगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि
जो लोग पहले वर्क कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा ग्रोथ आया और इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई कि ये केवल स्किल और एजुकेटेड वर्कर को ही एम्प्लॉय करने लगा और लिमिटेड नंबर ऑफ़ सर्विस को ही एम्प्लॉय करने लगा। तो क्या हुआ कि जो और लोग थे वो छोटे छोटे शॉपकीपर्स बन गए, रिपेयरिंग पर्सन बन गए, ट्रांसपोर्ट पर्सन बन गए, और ये लोग जो है काफ़ी मुश्किल से अपने ज़िंदगी व्यापन कर पा रहे थे। पर क्या करते, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं या तो उनके पास इतनी स्किल्ड नहीं है कि वो उस जगह पे उस पोजीशन पे काम कर सकें। तो क्या है कि उनको मजबूरी थी कि उनको वो सारी चीज़ें एक्टिविटी परफॉर्म करनी ही पड़ी। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड है। ग्राफ टू प्रेजेंट द शेयर्स ऑफ द सेक्टर, ग्राफ टू के अंदर हमारे सेक्शंस जो है वहाँ पे लोगों के परसेंटेज शेयर्स को दिखाया गया है जीडीपी के अंदर। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इम्पोर्टेंस, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख पाओगे कि क्या चेंजिंग इम्पोर्टेंस है सेक्टर्स का ओवर अ 40 ईयर, जो कि 40 साल के अंदर हुआ। जैसे कि ये देखो, आपको ग्राफ टू के अंदर देखने को मिलेगा शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, जो शेयर्स हैं हमारे सेक्टर्स का जीडीपी के अंदर, प्राइमरी ब्लू से, सेकेंडरी रेड से और टर्सरी ग्रीन से। प्राइमरी हमारा 1973 के अंदर 40 के आसपास आया, और जो हमारा सेकेंडरी था वो 50 के आसपास आया, और जो हमारा टर्सरी था वो 100% था। मतलब लोग जो वहाँ पे एम्प्लॉयड थे वो 100% टर्सरी सेक्टर के अंदर। 2030 में प्राइमरी सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 10 के अबव 11 के आसपास लोग आने लगे। देन उसके बाद हमारा सेकेंडरी था वो हमारा ऑलमोस्ट 30 के अबव आने लगा, 31-32 के आसपास। देन उसके बाद हमारा जो टर्सरी सेक्टर था वो 100% का 100% ही रहा 2013-14। तो सबसे ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉयड थे वो कहाँ थे, टर्सरी सेक्टर के अंदर थे। तो मतलब उन लोग का इतना शेयर था। अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया, अब कुछ ऐसे रिमार्केबल फैक्ट बताए जा रहे हैं इंडिया के, इज दैट व्हाइल देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ थ्री सेक्टर इन जीडीपी, जब हमारी चेंज आया इन शेयर्स में तीनों सेक्टर में के जीडीपी में, अ सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे छोटा सा भी सिमिलर शिफ्ट नहीं हुआ जो कि लिया गया हो एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ग्राफ थ्री शो द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब ग्राफ थ्री जो है हमारा शो करेगा एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट के शेयर को इन तीनों सेक्टर्स में। प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ, पर अभी भी क्या है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज भी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं ग्राफ थ्री में शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। ये रहा हमारा ग्राफ थ्री, जिसके अंदर 1978 के अंदर 71 के अराउंड हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता था एम्प्लॉयमेंट, सेकेंडरी सेक्टर 11 और टर्सरी सेक्टर 18 प्रोवाइड करता था। पर 2017-18 के अंदर फिर भी हमारा सबसे ज़्यादा किसने प्रोवाइड किया, प्राइमरी सेक्टर ने ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया 44%, और 25 सेकेंडरी में और टर्सरी में 31। कहने का मतलब कि हाँ, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेकेंडरी से ज़्यादा टर्सरी में था, इसमें भी सेकेंडरी से टर्सरी में है, पर सबसे ज़्यादा किस में है, प्राइमरी में। तब भी प्राइमरी में ही था और अब भी प्राइमरी में ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। Why did not a similar shift out a primary sector? क्यों यहाँ पर similar shift नहीं हुआ primary sector? Happen in case of employment के केस में,
जैसा कि हमने जीडीपी के केस में देखा कि वो कम हो गया था, शिफ्ट हुआ था, पर एम्प्लॉयमेंट के केस में शिफ्ट नहीं हुआ। इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे इनफ जॉब नहीं क्रिएट करे जा रहे हैं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर। अगर इसमें इनफ जॉब रहेगा तो लोग प्राइमरी सेक्टर में नहीं भागेंगे। इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और जो हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट और जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता था वेंट अप बाई मोर देन 9 times, वो कितना ज़्यादा बढ़ा, मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड, पीरियड के पूरे टाइम में वो 9 times जो है वो बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाई अराउंड 3 times, और इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो 3 times बढ़ा। द सेम एम्प्लाइजेस टू द टर्सरी सेक्टर, सेम जो है हमारे टर्सरी सेक्टर में भी हुआ। वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस, जब हमारे सर्विस में प्रोडक्शन हुआ सर्विस सेक्टर के अंदर, रोज बाई 14 times, पर वहाँ पे क्या हुआ, 14 times प्रोडक्शन बढ़े। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 times, और जो सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट था वो 5 times बढ़ा। एज अ रिज़ल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री, जो इसका रिजल्ट क्या आया कि जो मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर थे कंट्री के आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, वो कहाँ वर्क करने लगे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, मेनली इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द GDP, जो कि प्रोड्यूस कर रहे थे GDP का 1/6, मतलब 1/6 ऑफ द GDP। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, जो हमारे सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर एज द एम्प्लॉय लेस, जहाँ पे एम्प्लॉय लेस थे, अबाउट हाफ ऑफ द पीपल, मतलब आधे लोग समझ लीजिए। डज दिस मीन द वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर जो एग्रीकल्चर के अंदर थे वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे जितना कि वहाँ पे कर सकते थे वो। वट इज मीन इज दैट देर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इन नेसेसरी, इसका कहने का मतलब ये है कि अब क्या है वहाँ पे और ज़्यादा लोग की वहाँ पे ज़रूरत है एग्रीकल्चर में। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल, अगर आप चाहो तो आप अगर कुछ लोगों को मूव करा देते हो पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं करेगा। इन अदर वर्ड वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वर्कर हैं, दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स हैं वो क्या होंगे, अंडर एम्प्लॉयड होंगे। क्या होंगे वो, अंडर एम्प्लॉयड, जहाँ पे उनको इनफ पेड नहीं किया जाता उनके काम के लिए, और वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए, उनके काम का वो कोई फुल यूज़ नहीं करते अपने स्किल एबिलिटीज़ का, ठीक है, वो अंडर एम्प्लॉयड कहलाएंगे। फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर, तो इसके लिए आप एक छोटा सा स्मॉल फार्मर का केस ले लीजिए। लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 hectares, लक्ष्मी के पास अपने खुद के 2 acres ज़मीन है, ठीक है, 220,000 square meters की ज़मीन है, 2 hectares ऑफ अनइरीगेटेड लैंड, जो अनसिंचित भूमि होती है, अनइरीगेटेड लैंड, जो कि डिपेंड ओनली ऑन रेन, जो कि केवल रेन पे डिपेंडेंट है एंड ग्रोइंग क्रॉप्स पर। और वो ग्रोइंग क्रॉप्स कौन कौन से हैं, जोवर और अरहर, अरहर की दाल होती है वो। ऑल 5 members ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट, और जो 5 परिवार के उसके 5 लोग हैं जो वो प्लॉट पे ही काम करते हैं पूरे साल भर। क्यों, दे हैव नाउ हेयर एल्स टू डू फॉर वर्क, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है या कहीं उनको ऐसा काम नहीं मिल रहा है कि वो जाएं और करें। यू विल सी दैट एवरी वन इज़ वर्किंग, आप ये देखोगे कि वहाँ जो हर लोग काम कर रहे हैं, नन रिमेन आइडियल, वो खाली जो है वो अभी भी क्या है, खाली नहीं है। बट इन एक्चुअल फैक्ट, पर जो असलियत में, देयर आर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, उनकी जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइड हो रही है। ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क, हर एक जो है वो कुछ काम परफॉर्म कर रहे हैं, बट नो वन इज़ फुल्ली एम्प्लॉयड, पर हर एक पर्सन जो है वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं,
अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, जहाँ पे लोग जो हैं वो जाहिर तौर पर काम तो कर रहे हैं बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, पर हर कोई जो वहाँ काम कर रहा है अपनी पोटेंशियल से कम कर रहा है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये किस तरह का काइंड होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, इज हिडन एज कॉन्ट्रास्ट, जो कि हिडन होता है इन कॉन्ट्रास्ट में टू समवन, किसी के हु डज नॉट हैव अ जॉब, जिसके पास जॉब नहीं है एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, जो कि क्लियरली हमें दिखेगा कि वो अनएम्प्लॉयड है, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, भले वो काम कर रहे पर हमें यही दिखेगा कि वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास काम नहीं है। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड, आप एक सपोज करो कि एक लैंडलॉर्ड है जिसका नाम सुखराम है, कम्स एंड हायर वन और टू मेंबर, और वो आया उसने हायर किया एक या एक से ज़्यादा लोगों को, दो मेंबर्स को ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड, जो कि फैमिली के अंदर से, जो कि वो उसके लैंड पे जाके काम करेंगे। लक्ष्मी फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, अब जो लक्ष्मी की फैमिली है वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम को अर्न करने के लिए काबिल हो जाएगी थ्रू वेजेस पा करके। सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल, जबकि आप यहाँ पे किसी तरह की 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, उस छोटे से प्लॉट को देखभाल करने के लिए किसी 5 लोगों की रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं है। 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन, 2 लोगों के बाहर निकल जाने से उस प्लॉट के वहाँ पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं होगा उनके प्रोडक्शन पे, ऑन देयर फार्म, उसके फार्म पे। इन अबव एग्जाम्पल 2 पीपल में मूव टू वर्क इन ए फैक्ट्री, और जो 2 लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं वो फैक्ट्री में जाएंगे। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली, उनकी फैमिली की जो अर्निंग होगी वो इंक्रीज होगी एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच एज फ्रॉम देयर लैंड, और वो फिर भी 2 लोग के हट जाने के बाद भी वो उतना ही प्रोडक्शन करेंगे अपने लैंड में जितना कि वो पहले करते थे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप काम तो कर रहे हो पर उस जगह पे आपकी कोई वैल्यू, आपके स्किल और एबिलिटी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको वहाँ से निकाल दिया जाए तो भी उस जगह के जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप एक एक्स्ट्रा वर्कर की तरह वहाँ पे काम परफॉर्म कर रहे हो। वही उसका एक एग्जांपल दिया है कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी का खेत है जहाँ पे सिर्फ वो 2 हेक्टेयर की ज़मीन है जिस पे वो वहाँ पे 5 लोग काम करते हैं, जहाँ पे उनके 5 लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वहाँ से 2 लोग को हटा दिया गया, उनको फैक्ट्री में ले जाया गया, तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी, साथ ही साथ उसको जितने प्रोडक्शन वो करता है वो उतना ही प्रोडक्शन करेगी। देयर आर लैक ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, इसी तरह लक्ष्मी की तरह कई लाख फार्मर हैं जो इंडिया के अंदर हैं। दिस मीन दैट इवन इफ़ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल, इसका मतलब कि हम अगर कई सारे लोगों को अगर रिमूव भी कर देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क, और उनको हम प्रॉपर वर्क प्रोवाइड करते हैं कहीं और, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र, तब भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो हमारा सफ़र नहीं करेगा। द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप, जो इनकम होगी हमारे लोगों की वो बढ़ेगी दूसरे वर्कों में, दूसरे कामों में, वर्क वुड इंक्रीजेज द टोटल फैमिली, और उससे क्या होगा उनकी टोटल फैमिली की इनकम जो है उस काम से और बढ़ेगी। दीज अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट जो हैं वो हम अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे दूसरे सेक्टर्स में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर 1000 casual workers, आप एग्जाम्पल ले लो कि एक कैजुअल वर्कर्स हैं, 1000 कैजुअल वर्कर हैं इन द सर्विस सेक्टर के अंदर अर्बन एरिया में, वो सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, जो डेली एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्च करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज अ पेंटर, उनको एम्प्लॉय किया गया पेंटर के फॉर्म में, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन और अदर डूइंग ऑड जॉब्स में। मैनी ऑफ देम डू नॉट फाइंड वर्क, बहुत से लोग हैं जो
आज भी हर दिन काम नहीं ढूंढ पाते। सिमिलरली वी सी अदर पीपल फॉर द ऑफ द सर्विस सेक्टर। इसी तरीके से हम सर्विस सेक्टर में भी लोगों को देखेंगे जो कि स्ट्रीट पर कार्ट को पुश करते हैं, कुछ सड़क पे बैठ करके कुछ बेचते हैं, समथिंग सेल्स, वेयर दे मे स्पेंड द होल डे। वहाँ पे वो अपना पूरा दिन गवाते हैं बट अर्न वेरी लिटल, बट बहुत थोड़ा मोड़ा कमा पाते हैं। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ऐसे काम वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पास उनके पास और कोई ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है उससे बेटर, और उनको वो वहाँ पर करना ही पड़ता है। हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैसे हम और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट दे आर कंटिन्यूस टू बी कंसिडरेबल। हमने ऊपर पढ़ा, डिस्कस किया कि वहाँ पर हम कंटिन्यूस कंसिडर कर रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के अंदर। देर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, जहाँ पर लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड नहीं हैं। इन वॉट वे कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, और किस तरीके से हम एक इंक्रीज कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की कुछ लोगों के लिए। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम, चलिए आइए देखते हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विथ हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरीगेटेड लैंड। लक्ष्मी जो है उनके हम 2 हेक्टेयर प्लॉट के बारे में देखते हैं जो कि एक अनइरीगेटेड लैंड है। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ पैसे स्पेंड कर सकती है या बैंक उनको लोन प्रोवाइड कर सकती है ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके अ वेल फॉर हर फैमिली, ताकि वो क्या कर सके, एक वेल कंस्ट्रक्ट कर सके अपनी फैमिली के लिए। टू इरीगेट लैंड, ताकि वो अपनी लैंड को इरीगेट कर सके। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड, तब लक्ष्मी जो होगी वो इतनी एबल होंगी कि वो अपने लैंड को इरीगेट कर सकेंगी, मतलब इतनी वो उनके अंदर इतनी काबिलियत हो जाएगी कि वो अपने लैंड को पानी आराम से प्रोवाइड कर सकेंगी, इरीगेट कर पाएंगी। एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप, और फिर उसके बाद वो सेकेंड क्रॉप भी उगा सकेंगी, वीट, ड्यूरिंग द राबी सीजन, राबी सीजन के अंदर। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप सपोज करो कि 1 हेक्टेयर वीट का प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज, 2 लोगों को 50 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग उनकी जो सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर, मीन्स जो बोआई कटाई और जो पानी वगैरह दिलाता है वहाँ पर, फर्टिलाइजर दिलाता है, एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग, और जो भी हार्वेस्टिंग और एप्लीकेशन होता है वो। सो 2 मोर मेम्बर ऑफ द फैमिली, जो उसके फैमिली के 2 लोग और हैं फैमिली के, कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड, वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे अपने खुद के फील्ड में। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड, अब आपसे सपोज करो कि एक नया डैम कंस्ट्रक्ट किया जाए, बनाया जाए, एंड कैनल बनाया जाए, आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म, जिससे कि वो ये पॉसिबिलिटी कर सके कि वो बहुत सारे फार्म को इस तरह के इरीगेट कर सके। दिस कूड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे क्या होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इट्स सेल्फ रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, वो खुद से अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वो कम कर सकेंगे। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर, जो लक्ष्मी और फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मच मोर देन बिफोर, आज के समय में वो पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दीज, और वो चाहते हैं कि जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से कुछ वो उसको बेचें। फॉर दीज दे मे बी रिक्वायर ट्रांसपोर्ट, इसके लिए उनको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, ट्रांसपोर्ट की, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अपने आसपास के शहर में, टाउन में ले जाकर बेचें। इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में क्रॉप्स के, और मेक अ बेटर रूरल रोड, और रूरल रोड्स को अच्छा बनाती है, तो सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर, ताकि मिनी ट्रक्स, जो छोटे छोटे ट्रक्स होते हैं वो हर जगह पहुंच सकें, जो सेवरल फार्मर्स हैं जो लक्ष्मी जैसे उनके पास तक, हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर, जिनके पास अब पानी की सुविधा है, कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल दिस क्रॉप्स, और वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को ग्रो करने में और बेचने में। These activities can provide production employment. इससे क्या होगा, एक production employment बनेगा।
टू नॉट जस्ट फार्मर बट ऑल्सो अदर्स, सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं दूसरे लोगों के लिए भी, सच एज दोज इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, जैसे इन तरह की सर्विसेज जो हैं जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड से रिलेटेड हैं वो सारी। लक्ष्मी नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन, लक्ष्मी को ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंद करे पानी को सिर्फ, टू कल्टिवेट द लैंड, ताकि वो अपने लैंड को कल्टिवेट कर सके। शी ऑल्सो नीड सीड्स, ताकि सिर्फ पानी की उसको नहीं ज़रूरत है, उसको वहाँ पे सीड्स, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पंप सेट, ताकि वो पानी को बाहर निकाल सके कुएं में से, तो इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है। बींग अ पुअर फार्मर, एक गरीब फार्मर होने के नाते शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दिस, वो अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी सारी चीज़ों को, तो शी विल हैव टू बोरो मनी, तो उसको क्या करना होगा, पैसे उधार लेने पड़ेंगे, बोरो करना पड़ेगा फ्रॉम मनी लेंडर एंड पे अ हाई रेट ऑफ, और उसको क्या करना होगा, मनी लेंडर जो पैसे उधार देते हैं उनसे या तो वो खरीदेगी, पैसे लेगी। और उनको वहाँ पे हाई इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इफ़ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट, अगर लोकल बैंक्स उस गांव का उसको क्रेडिट देता है एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो वहाँ पे उसके पैसे, जो भी वो पैसा ले रहा है वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके बदले लेता है, तो शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम्स एंड कल्टिवेट हर लैंड, तो वो फिर क्या होगी, वो इतनी कैपेबल होगी कि वो इतनी एबल होगी कि वो उन सारी चीज़ों को जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है अपने लैंड को कल्टिवेट करने के लिए वो खरीद सकेगी। दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विथ वाटर, और पानी के साथ साथ वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द फार्मर, इसका मतलब है कि हमें ये ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर में चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट भी प्रोवाइड करें उधार टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग, जो फार्मर्स हैं खेतों में काम करने वाले जितने किसान हैं उनको हम चीप क्रेडिट प्रोवाइड करें, ताकि उनकी फार्मिंग जो है, उनकी जो खेती जो है वो इम्प्रूव हो सके। वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स, हम इस सारे नीड्स की जो है वो और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के अंदर, ठीक है। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम, और भी जो तरीके हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए या सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए, इज़ टू आइडेंटिफाई, उनको खोजना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, प्रमोट करना होगा, एंड लोकेट इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करना होगा एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरिया, जहाँ पे पूरी तरीके से रूरल एरिया नहीं है, वहाँ पे वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल मे बी एम्प्लॉयड, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लोगों को हम एम्प्लॉयड कर सकते हैं। और फॉर इंस्टेंस सपोज़ मेनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर, आप सपोज़ करो कि कई सारे किसान ने डिसाइड किया कि वो ग्रो करेंगे अरहर और चिकपी पल्स क्रॉप्स को वो वहाँ पे उगाएंगे, सेटिंग अप अ दाल मिल, और वहाँ पे एक दाल मिल बनाया जाए टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस, ताकि वो ऑब्टेन कर सके और वहाँ पे उस दाल मिल का प्रोसेस कर सके, दीज एंड सेल इन सिटीज़, और उसके बाद फिर उसको दाल बना करके सिटीज़ में बेच सके। इन वन सच एग्जांपल ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, इस तरह के एग्जांपल्स के लिए हमको क्या होगा, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज खोलना पड़ेगा, ठीक है, एक कोल्ड स्टोरेज खोलना पड़ेगा। कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर, जिससे क्या होगा, फार्मर किसानों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो स्टोर कर सके अपने प्रोडक्ट्स को, जो जैसे कि पोटैटोस, आलू एंड अनियन, प्याज वगैरह को, एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड, और उसको फिर वो बेच सके जब उसका प्राइस अच्छा हो। इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरिया, जो गांव हमारे फॉरेस्ट एरिया के पास हैं, वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स, और फिर वहाँ पे हम क्या खोल सकते हैं, हनी कलेक्शन सेंटर्स, जहाँ पे शहद को इकट्ठा किया जाता है, वे फार्मर कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी, जहाँ पे किसान आकर के ढेर सारी वाइल्ड हनी को
बेच सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप अ इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि वो इंडस्ट्री को सेटअप कर सके. दैट प्रोसेस जो कि वहाँ पे प्रोसेस हो सके, वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो चीज़ें वहाँ पे वेजिटेबल और एग्रीकल्चर चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टोमेटो, फ्रूट्स, जो कि वहाँ पे सोल्ड हो सकेगा आउटसाइड मार्केट के अंदर. दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज़. ये इस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रीज़ में, जो कि लोकेट होगा सेमी रूरल एरिया के अंदर एंड नॉट नेसेसरी इन लार्ज अर्बन सेंटर. जहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ लार्ज अर्बन सेंटर्स हों तभी वो वहाँ पे खुले, उसको वहाँ सेमी रूरल एरिया में भी खोल करके हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया तरीका ढूंढ सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज़ को लगा सकते हैं और सर्विस वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं. ठीक है, डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन. क्या आपको पता है कि इंडिया की 60% पॉपुलेशन जो है वो बिलोंग करती है एज ग्रुप 5 to 29 ईयर. आउट ऑफ दीज ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशन. केवल 51% पर्सन जो लोग हैं वो अटेंड करते हैं एजुकेशनल स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स वगैरह में. द रेस्ट एंड पर्टिकुलरली दोज एज लेस देन, और जो बचे हुए लोग हैं जो कि 18 साल से नीचे हैं वो मे बी एट होम, वो घर में हैं. या फिर वो क्या कर रहे हैं, मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर, और या तो फिर बाकी बचे हुए लोग क्या कर रहे हैं, एक चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं जो कि 18 साल से नीचे हैं. ठीक है, इफ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल्स, अगर ये जो बच्चे हैं वो अगर अटेंड करते हैं स्कूल को, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स. तब हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, और भी ज़्यादा बिल्डिंग्स की, मोर टीचर्स की एंड अदर स्टाफ्स की. अ स्टडी कंडक्टेड बाय द अर्स्ट वेल प्लानिंग कमीशन, जो हमारी स्टडी है उसको पहले प्लानिंग कमीशन जो थे, मींस नीति आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया गया, जिनको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं. एस्टिमेट दैट नियरली 20 लाख जॉब, जिन्होंने एक अनुमान लगाया, एस्टिमेट किया कि 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर, जिससे कि एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी अकेले से. सिमिलरली इफ़ वी आर इम्प्रूव द हेल्थ, अगर हम अपने हेल्थ में भी इम्प्रूव लाते हैं, हेल्थ सिचुएशन में भी, तो वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, हमें बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नर्सेस की, हेल्थ वर्कर की, टू वर्क इन रूरल एरिया, जो कि हमारे रूरल एरिया में आके काम करेंगे. दीज आर सम वे बाय विच जॉब्स विल बी क्रिएटेड, ये सब एक तरीका है जिससे कि जॉब जो है वो क्रिएट होंगी, बनेंगी. वी वुड ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पॉर्टेंस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, और हम जो हैं वो इतने, हमारे अंदर इतनी क्षमता होगी कि हम एड्रेस कर सकेंगे जो डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. एस्पेक्ट्स मीन्स जो डेवलपमेंट की इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 के अंदर. ठीक है, एवरी स्टेट और रीजन हैज़ अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम. हर स्टेट और हर रीजन के पास इतनी पोटेंशियल, इतनी क्षमता होती है कि वो इंक्रीज कर सके इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, ताकि उन लोगों की एम्प्लॉयमेंट और इनकम को वो इंक्रीज कर सके उस एरिया के अंदर. इट कुड बी टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, न्यू सर्विस लाइक IT. ये हो सकता है कि कोई घूमने के एरिया में हो, रीजनेबल क्राफ्ट इंडस्ट्री में हो, या किसी नई सर्विस जो कि IT के अंदर है उसके अंदर. सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ये सारी चीज़ें जो कि हमें रिक्वायर है, उनको एक प्रॉपर प्लानिंग की और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टडी ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जैसे कि हमारी
same study जो है planning commission की, say that if tourism as a sector, उन्होंने कहा कि अगर tourism एक sector बनता है, is improved every year, वो improve करेगा हर साल, we can give additional employment, हर साल हम कुछ additional employment वहाँ पे देंगे to more than 35 lakh people, जो कि 35 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे हमें एक additional employment provide होगी. वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन, हम ये एक रियलाइज हुआ कि कई सारे ऐसे सजेशन है जो डिस्कस किए हमने ऊपर, वो टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट, वो काफ़ी लंबा समय लेगा उसको इम्प्लीमेंट करने में, जारी करने में. फॉर द शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वी नीड सम क्विक मेजर, हमें छोटे समय के लिए रिक्वायर है कुछ क्विक मेजर की, जो सडन हमको वहाँ पे चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. रिकॉग्नाइज दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया, हमने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की है, मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क, उन्हें एक लॉ बनाना चाहिए जो कि इम्प्लीमेंट करता है राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे 625 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के अंदर, उसमें इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. हमारे जो ये मनरेगा है, मनरेगा 2005, इसका फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. ये हमारा जो है बताता है, ये एक लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के अंदर, जहाँ पे ये राइट टू वर्क का बताया था, जो कि 625 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के उसके अंदर ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था, लॉ जारी किया गया था, जिसका नाम क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. अंडर मनरेगा 2005, ऑल दोज हु आर एबल टू, उसके अंदर जितने लोग एबल थे, जिनके अंदर इतनी क्षमता थी, एंड आर इन नीडेड ऑफ, और जिनको ज़रूरत थी वर्क इन रूरल एरिया, जो कि रूरल एरिया के अंदर काम करते थे, आर गारंटेड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनको गारंटी दी गई 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट पूरे साल भर के अंदर बाय द गवर्नमेंट के द्वारा. इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन दिस ड्यूटी, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाता अपनी इस ड्यूटी में कि वो प्रोवाइड करे एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो क्या फिर प्रोवाइड करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करवा पाए तो हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे लोगों को. दी द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर, जो भी काम का एक टाइप था वो फ्यूचर में हेल्प करता इंक्रीज करने में प्रोडक्शन को लैंड की, और विल बी गिवन अ प्रेफरेंस अंडर द एक्ट, और या फिर वहाँ पे इस एक्ट के अंदर प्रेफरेंस भी दिए जाते. ठीक है, तो ये सारे एक तरीके थे जिसके थ्रू अंडर एम्प्लॉयमेंट को अलग अलग सेक्टर के अंदर प्रमोट किया जा सकता था, बनाया जा सकता था, एक तरह से सजेशन था हर तरह का कि किस तरीके से किस सेक्टर के अंदर हम काम को और बढ़ावा दे सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज. कहने का मतलब कि अब अभी तक हमने तीन तरह के सेक्टर देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हमने अभी तक उसी के बारे में डिस्कस किया. अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसका डिवीजन किया गया था सेक्टर्स का ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में. तो आइए पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होता क्या है और सेक्टर्स को कैसे इनके अंदर डिवाइड किया गया. लेट अस एग्जांपल अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटी, तो हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे, ठीक है, अलग अलग और भी तरीकों को जिसके थ्रू हम अपने एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किए अपने इकोनॉमी के अंदर. दीज लुक्स एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, इसके थ्रू हमें ये देखने को मिला कि कैसे लोग जो है वो एम्प्लॉयड हुए. व्हाट आर देयर कंडीशन ऑफ वर्क, क्या कंडीशन थी उनके काम की,
Are there any rules and regulation that are follows as a regard their employment? कुछ ऐसे rules and regulation क्या थे जिनके through वहाँ पे उनको follow करना पड़ता था अगर एक employment उनको मिलती थी तो यहाँ एक example है कांता का, ठीक है। ये एक lady है जिनका एक example है कांता, जिनका नाम है कांता। work in an office, कांता जो थी वो काम करती थी office के अंदर। She attend the office from 9:30 AM to 5:30 AM। वो काम करती थी और ऑफिस के अंदर 9:30 से 5:30। She get her salary regularly at the end of every month। वो उनको सैलरी मिलती थी हर महीने के अंत में। The addition to the salary, जो भी सैलरी का एडिशन होता था। She also get provident fund, उनको provident fund भी मिलता था। अब ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये एक इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट करता है और उसका लम सम जो है एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं, ठीक है। एज पर द रूल लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल बनाया गया है, ऑफिशियली जो एक इस्टेब्लिश किया गया है रूल कि जिसके थ्रू हम किसी को कुछ भी कराते हैं, ठीक है। शी ऑल्सो, ये जो प्रोविडेंट फंड का रूल है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, हर एक ऑफिस में होता है। जो बड़ी बड़ी ऑफिसेज होती हैं जो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं वो लोग ये करती हैं, मीन्स कि सरकारी दफ्तर जो होते हैं वहाँ पर प्रोविडेंट फंड ज़्यादातर मिलते हैं जो कि रूल के तहत बनाया जाता है। शी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंस, उनको मेडिकल और भी जो बेनिफिट्स थे, अलाउंस मीन्स भत्ता मीन्स बेनिफिट जो होते हैं उनको दिए जाते थे। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, कांता संडे को ऑफिस नहीं जाती थी। दिस इज़ अ पेड हॉलीडे, ये उनको ये हॉलीडे का भी उनको पेड होता था। व्हेन शी ज्वाइन वर्क, जब उन्होंने वर्क ज्वाइन किया, शी वॉज गिवेन एन अपॉइंटमेंट लेटर, जब उन्होंने ये काम ज्वाइन किया तब उनको सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था स्टार्ट करने के लिए, ताकि वो स्टार्ट करने से पहले जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन उस काम से रिलेटेड थे वो उस सारी चीज़ों को जान जाए। तो देखिए, ये कांता जिस तरह के कंपनी में काम करती थी वहाँ सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होती थी, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल पढ़ने से क्या समझ में आ रहा होगा कि ये जो कंपनी है जिस ऑफिस में ये काम करती है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का ऑफिस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कमाल का। अब कमाल इज़ ए कांता नेबर, कमाल जो हैं कांता के पड़ोसी हैं। ही इज़ ए डेली वेज लेबर, ये डेली वेज लेबर की तरह काम करते हैं। इन्हें नियर बाय ग्रॉसरी शॉप, जो कि उनके पास की ये ग्रॉसरी शॉप है वहाँ पे। ही गोज़ एट द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग, वो शॉप पे जाते हैं 7:30 बजे सुबह और काम करते हैं रात के 8 बजे तक शाम में। ही गेट नो अदर अलाउंस, उनके पास किसी तरह की अलग तरह की बेनिफिट्स नहीं है अपार्ट फॉर हिज वेज, जो भी उनको वेतन मिलता है, जो भी उनको पैसा वेज मिलता है उसके अलावा उनको किसी तरह का अलाउंस नहीं मिलता। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डे, ही डज़ नॉट वर्क, अगर किसी दिन वो वहाँ पर काम नहीं करते तो उस दिन का उनको पैसा भी नहीं मिलता। He has therefore no leave or paid holiday, उनको वहाँ किसी तरह का लीव और पेड हॉलीडे नहीं मिलता। Nor was he given any formal letter, ना ही उनको किसी तरह की फॉर्मल लेटर दी गई जब वो उस जगह पे उस शॉप पे एम्प्लॉयड हुए। He can be asked to leave any time by his employer, वो अपने एम्प्लॉयर के से कभी भी कहे जा सकते हैं कि आज से आपकी छुट्टी है, आप दुकान पे मत आइएगा। कहने का मतलब कि वो एक वर्कर की तरह वहाँ पे काम, वर्कर तो कांता भी हैं पर उनको सिक्योरिटीज़ मिली है कि वो उनको कोई भी इसी तरह से जॉब से नहीं निकाल सकता। पर कमल कौन है? कमल को कभी भी उसका जो मालिक है एम्प्लॉयर जो है वो कभी भी निकाल सकता है।
तो कमल की जॉब क्या हुई? सिक्योर नहीं हुई, वहाँ किसी तरह का रूल रेगुलेशन नहीं था, उसको किसी तरह की छुट्टी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, किसी तरह की अलाउंस नहीं थी, तो क्या हुआ? वो इस तरह का जॉब क्या कहलाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जॉब कहलाएगा, ठीक है? डू यू सी द डिफरेंस इन द कंडीशन ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल? अब कांता और कमल के एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपको दोनों के जो कंडीशन थी वर्क करने की, उसके बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि कांता जो थी वो सुबह इतने बजे 9:30 बजे आती थी, 5:30 बजे आ जाती थी। उनको मंथ के आखिरी में सैलरी मिलता था, उनको प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड अलाउंस मिलते थे, और उनको जॉइनिंग लेटर मिला था, पेड हॉलीडे मिलता था, सारे टर्म्स एंड कंडीशन उनके काम के थे। पर कमल डेली वेज लेबर था, जो कि ग्रॉसरी शॉप पे काम करता था। वो सुबह 7:30 बजे आता, रात के 8 बजे आता। वो अगर किसी दिन ना आए तो उसको उस दिन का काम का पैसा नहीं मिलता था, किसी तरह की लीव नहीं थी, किसी तरह का पेड हॉलीडे नहीं प्रोवाइड करता था, उसको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता था, किसी तरह का फॉर्मल लेटर नहीं मिला था। तो ये हो गई इन दोनों के काम की डिफरेंस। काम दोनों करते हैं पर दोनों के काम जो है वो डिफरेंट है। कांता वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज इंटरप्राइजेज और प्लेसेज ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो कवर करता है उन कंपनीज इंटरप्राइजेस को, उस प्लेस ऑफ वर्क को जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स होता है, मतलब जो भी प्रक्रिया होती है एम्प्लॉयमेंट की, वो क्या होती है? रेगुलर, एंड देयर फॉर पीपल हैव अश्योर्ड फॉर वर्क। वो रोज के बेसिस पे होती है और लोग जो होते हैं वहाँ पे, उनको अश्योरेंस मिलता है उनके काम का, ठीक है? दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। दे आर जो वर्क होता है जो वहाँ का, या जो वो कंपनी होती है, वो क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट पे, एंड हैज़ फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन। और वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करती है, विच आर गिवन इन वेरियस लॉज, जो कि कई सारे लॉज के अंदर दिया हुआ है। और वो जो लॉज हैं वो जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पे मेरिट ग्रेजुटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट के अंदर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट ने डिफाइन किया गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए, ठीक है? ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस। ऑर्गेनाइज क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ फॉर्मल प्रोसेस है, कुछ ऐसी फॉर्मल कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस बने हुए हैं, एक लाइनअप किया गया है कि किस तरीके से आपको क्या एक्टिविटी किस लाइन में आपको परफॉर्म करनी है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएगी कि आपको कैसे क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है। प्री डिफाइंड वर्क वहाँ पे होता है, इसलिए उसको फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स कहा जाता है। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो एम्प्लॉयड नहीं होते हैं बाई एनी वन, किसी के द्वारा, बट मे वर्क ऑन देयर ओन, पर वो लोग क्या करते हैं, अपने खुद के लिए काम करते हैं, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व, वो उनको खुद को रजिस्टर्ड करना होता है विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ, एंड फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन, और उनको फॉलो करना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कि जो अलाउंस वगैरह है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉय को। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो वर्कर होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, वो इंजॉय करते हैं क्या? एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी की, मतलब कभी भी कोई आपको नहीं निकाल सकता वहाँ पे। आपको एक मोटिव होना चाहिए किसी पर्सन को निकालने के लिए काम पे से, तो वो एक सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय के लिए। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर, उनके लिए एक फिक्स नंबर ऑफ आवर को डिफाइन किया जाता है, और वो इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं काम करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर वो करते हैं, इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू पेड
अगर वो उस पीरियड ऑफ टाइम से ज़्यादा वर्क करते हैं तो उनको उस चीज़ के लिए पेमेंट किया जाता है, जिसको हम ओवर टाइम भी कहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि आज आपके पापा ने ओवर टाइम किया, किसी के पापा अगर सर्विस सेक्टर में या किसी कंपनी में काम करते होंगे तो आप देखते होंगे कि ऐसे पापा तो आ जाते हैं 5 बजे 6:30 बजे, पर आज वो 8 बजे 9 बजे आए, तो उन्होंने क्या किया, ओवर टाइम किया। उस चीज़ के लिए उनको उनकी कंपनी पे भी करती है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, वो साथ ही साथ कुछ और भी बेनिफिट्स पाते हैं अपने एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से। वॉट आर दीज बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स क्या हैं? दे गेट पेड लीव, उनको पेड लीव मिलता है। पेमेंट ऑफ ड्यूरिंग हॉलीडे, हॉलीडे के टाइम भी उनको पेमेंट किया जाता है। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, उपहार वगैरह मिलते हैं। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट, उनको मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं लॉ के अंडर में। और फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, जो भी फैक्ट्री का मैनेजर होता है वो ये अश्योरेंस देता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है और जो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज में। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल, अगर ये लोग रिटायर करेंगे तो पेंशन्स भी मिलेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट कमल वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिला कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या क्या होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, सिक्योरिटी होती है, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ होता है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी होती हैं, ठीक है, आपको रिटायरमेंट के टाइम पेंशन्स मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें बताती हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कोई कंपनी चलती है, इंटरप्राइज चलती है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती है। पर यहाँ पे कमल जो है वो कहाँ काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ये कैरेक्टराइज किया जाता है बाय स्मॉल एंड स्कैटर यूनिट, ये छोटे छोटे जो असंगठित क्षेत्र में जो छितरे हुए काम होंगे, जैसे कि मींस वो सारे, जैसे छोटे छोटे आपके घर के बाहर निकलिए तो कोई जनरल स्टोर हो गया, कोई चाय वाला हो गया, कोई आइसक्रीम पार्लर हो गया, कोई ज्वेलरी शॉप छोटी सी खुली हुई है, तो ये सब क्या है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे आप किसी को भी वर्कर रख सकते हो, किसी भी लेबर वर्क को आप रख सकते हो, ठीक है। विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है ये सारी चीज़ें। दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड, यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन है पर ये लोग वहाँ पे वो फॉलो नहीं करते हैं। जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, यहाँ पे जो भी जॉब्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, साथ ही साथ लो पेड होते हैं, उस काम के लिए उनको काफ़ी कम पे किया जाता है। दीज इज़ नो प्रोविज़न, यहाँ पे किसी तरह का प्रोविज़न नहीं होता है ओवर टाइम के लिए, आप ज़्यादा काम करा लिए तो उसके लिए पेमेंट करो, नहीं। पेड लीव नहीं होता, हॉलीडे नहीं मिलता, लीव ड्यू टू सिकनेस, बीमार पड़े हो तब भी आपको किसी तरह का छुट्टी नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं होता, आप जब चाहो तब निकाले जा पाओगे, अगर कोई दिक्कत हुई, कोई गलती हुई, मालिक के हिसाब से काम नहीं किया तो वो आपको निकाल देगा। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, लोगों को बिना कुछ पूछे उनको वो वहाँ से अपने काम से निकाल सकता है। व्हेन देयर इज़ अ लेस वर्क, यहाँ पे जैसे अब कोई छोटा सा बिजनेस है, वहाँ के दुकानदार ने 4 एम्प्लॉय कर लिया, ठीक है, 4 लोगों को काम पे रख लिया, और अभी क्या है, मंदा चल रहा है मार्केट, मीन्स मार्केट में काम कम है, लोग ज़्यादा सामान नहीं खरीद रहे हैं कपड़े की शॉप से, वो कपड़े की शॉप है, कपड़े की शॉप पे 4 लोग हैं, 4 लोग वहाँ पे एक वर्कर की तरह काम करते हैं, पर अभी काम अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मालिक ने क्या सोचा कि वो किसी एक पर्सन को निकाल देगा, और वो जिसको जो काफ़ी कम काम करता होगा या बहुत लेस एफर्ट डालता होगा वो क्या करेगा, उसको बिना कुछ बोले वो वहाँ से उसको निकाल देगा। कहने का मतलब वो कभी भी उसको कह सकता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ किसी भी बिना रीज़न के, ठीक है, या काम वहाँ पे कम है तो भी वो उसको कह सकता है। सच एज ड्यूरिंग सम सीजन्स,
सम पीपल मे आस्क टू लीव, कभी कभी सीजन वाइज भी होता है, अगर सीजन नहीं चल रहा है तो लोगों को निकाल देते हैं, सीजन चलने लगता है तो लोगों को रख लेते हैं। अलॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ तक के कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डिपेंड करते हैं सनक पे, जैसे कि कभी किसी को सनक चढ़ गई कि उनको सडन किसी चीज़ की डिज़ायर हो गई एम्प्लॉयर को कि वो नहीं चाहता कि ये यहाँ पे काम करे, तो वो चाहे तो निकाल सकता है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये इंक्लूड करता है, ये सेक्टर जो है इंक्लूड करता है कई नंबर ऑफ लोगों को जो कि एम्प्लॉयड होते हैं ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स, जो खुद के छोटे छोटे काम जॉब करते हैं, सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग अ रिपेयर वर्क। वो लोग क्या करते हैं, फिर छोटे छोटे जॉब्स करेंगे स्ट्रीट पे, सड़कों पे कुछ ना कुछ बेचेंगे या कुछ रिपेयर करेंगे, ये सारी काम। सिमिलरली अलॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द विम्स, मतलब जो मालिक है उसके किसी तरह के झटके, सडन उसको कुछ किसी चीज़ की डिज़ायर हुई वो उसको निकाल दिया, तो ये सारे लोग जो होते हैं वो नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिर अपने खुद के काम को करते हैं, जैसे छोटे मोटे काम स्ट्रीट पे कुछ बेचना, किसी चीज़ को रिपेयर करना। तो इसी तरीके से फार्मर जो होते हैं वो फार्मर वर्क ऑन देयर ओन, इसी तरह फार्मर भी खुद का काम करते हैं एंड हायर अ लेबरर एज व्हेन दे रिक्वायर, और वो भी लेबर तभी हायर करते हैं जब उनको रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होती है, जो भी सेक्टर्स के वर्कर जो कंपनी होगी जो भी काम होगा वो गवर्नमेंट में अगर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। तो वहाँ के वर्कर्स को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में अब हम देखेंगे। द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफर जॉब, जो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जॉब ऑफर करती है दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर, जो कि हमारी काफ़ी क्या होती है, मांग में होती है, ठीक है, बाद में। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे ही बहुत बढ़ रही हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये बहुत कॉमन है कि हम फाइंड करें कि मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इंटरप्राइजेज हैं। दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू इवेट टैक्स, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्यों आती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो उन स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करें जिसके थ्रू वो टैक्सेस को इवेड कर सके। अब टैक्स इवेड करने का मतलब है कि वो टैक्स देना, जो जैसे जो भी कंपनियां गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं उनको कुछ टैक्स पे करना रहता है गवर्नमेंट को ना, जिस जगह पे वो काम कर रही है, जिस भी तरीके का वो एक्टिविटी परफॉर्म करवा रही है वहाँ पे, उसके बदले वो कुछ गवर्नमेंट वहाँ हमसे टैक्स वसूलती है। तो वो टैक्स को इवेड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए या स्केप करने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर भी अब जो है धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अपने आप को ढाल रही है, ताकि वो टैक्सेस को इवेड कर सके, अवॉइड कर सके या रिफ्यूज़ कर सके टू फॉलो अ लॉ, ताकि वो फॉलो को लॉ ना करे दैट प्रोटेक्ट, जिसके तहत हमारे लेबर जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स, और इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे लोगों को, वर्कर्स को फोर्स किया जाता है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब करें, विच पे अ वेरी लो सैलरी, जिसके अंदर उनको बहुत कम सैलरी प्रोवाइड होता है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड, उनको क्या किया जाता है, शोषित किया जाता है, एक्सप्लॉयट किया जाता है एंड नॉट पेड अ फेयर वेजेस, और उनको अच्छी सही फेयर मीन्स वैल्यू वाली वेजेस नहीं दी जाती, उनको उसके एफर्ट के हिसाब से पे नहीं किया जाता। दे आर अर्निंग आर लो, उनकी अर्निंग लो होती है एंड नॉट रेगुलर, और रेगुलर भी नहीं होती है। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर, इस तरह के जॉब सिक्योर नहीं होते एंड हैव नो अदर बेनिफिट, इनके अंदर किसी तरह की बेनिफिट्स भी नहीं होते।
सिंस द 1919 से क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी, हमें ये कॉमन देखने को मिला कि अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर लूजिंग देयर जॉब, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने जॉब को खोया ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर. दीज वर्कर्स आर फोर्स टू टेक अप अ जॉब, इन वर्कर्स को फोर्स किया गया कि वो जॉब्स लें कहाँ पे, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर विथ लो अर्निंग. हेंस बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क, इससे क्या हुआ कि उनको और ज़्यादा काम की ज़रूरत पड़ी. देयर इज़ ऑल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन, और वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर, ताकि उनको सपोर्ट भी मिल सके वर्कर को इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर. हु आर दीज वल्नरेबल पीपल, कौन लोग हैं जो इनके चपेट में आए, ठीक है, इनके अंदर आ गए. हु नीड प्रोटेक्शन, जिनको की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. इन द रूरल एरिया द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, रूरल एरिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर, ये ज़्यादातर लोगों को जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है उन लोगों के लिए, जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, मीन्स कि जो भागीदारी में काम करते हैं, मीन्स कि जो उनकी ज़मीन है उसको वो क्या किए हैं, हिस्सेदारी में बांट करके काम करते हैं. एंड आर्टिशियंस, और जो आर्टिशियंस होते हैं जैसे कि वीवर्स, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, ये सारे लोग. नियर बाय 80% ऑफ रूलर हाउसहोल्ड, जो 80% रूलर के परिवार वाले हैं इन इंडिया के अंदर, जो आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी, जो कि क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, ठीक है. दीज फार्मर नीड टू बी सपोर्ट थ्रू एडवोकेट फैसिलिटीज, इन तरह के इन लोगों के जो फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सपोर्ट की, जिससे कि वो पर्याप्त फैसिलिटी, उनको वो पर्याप्त फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है जो कि टाइमली डिलीवर करें उनको सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज, मार्केटिंग आउटलेट्स वगैरह, जहाँ पे वो अपनी सारी चीज़ों को बेच सके, स्टोरेज वगैरह, क्रेडिट की स्टोरेज और ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करें. इन द अर्बन एरिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कंप्राइजेज मेनी ऑफ वर्कर्स, अर्बन एरिया के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो कई सारे लोगों को, वर्कर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर जो कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, व्यापार और ट्रांसपोर्ट में, एंड दोज हु वर्क एज अ स्ट्रीट वेंडर, जो स्ट्रीट पे काम करते हैं, हेडलोड वर्कर हैं, गारमेंट मेकर हैं, रैक पिकर्स हैं, ये सारे लोगों को वो क्या किया कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों में ढकेला. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं सर्विसेज को, प्रोडक्शंस को, जो कि स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल पे किए जाते हैं, ठीक है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग अ रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है, मतलब ये सारे लोगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ढकेलने की कोशिश की गई. फिर उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो उनको रिक्वायरमेंट होती थी गवर्नमेंट के सपोर्ट की, ताकि वो रॉ मटेरियल पा सके और मार्केटिंग कर सके अपने आउटपुट के लिए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग अ रॉ मटेरियल, ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने के लिए उनको गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, ताकि वो रॉ मटेरियल ले सके, ताकि वो मार्केटिंग भी कर सके अपने आउटपुट के लिए. जो कैजुअल वर्कर थे, जो रूरल और अर्बन एरिया बोथ में थे, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, ताकि उनको प्रोटेक्टेड महसूस हो. वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी, हमने फाइंड किया कि जो
मेजॉरिटी ऑफ वर्कर थी फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, जो हमारे अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग थे और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज थी, फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनको कि हमने देखा कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में उनको देखा गया, बिसाइड गेटिंग द रेगुलर एंड लो पेड वेज, जिनको कि काफ़ी कम इरेगुलर और लो पेड वेज उन्हें मिल रहा था। दीज वर्कर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेटीज, इन लोगों को जो सामाजिक भेदभाव है ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती थी। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट था अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स के लिए, इज़ द नेसेसरी, ज़रूरी हो गया ताकि वो बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में हो सके। देखिए ये एक एग्जांपल है, व्हेन फैक्ट्रीज क्लोज डाउन मेनी वंस रेगुलर वर्कर आर फाउंड सेलिंग गुड्स ऑन अ पुशिंग कार्ट और डूइंग सम अदर और जॉब्स। ये जब फैक्ट्रीज बंद हो गई तो लोग किस तरीके से अपने घरों के बाहर इस तरह से शॉप लगा के काम करने लगे या कार्ट वगैरह खींचने लगे, तो ये इस तरह का काम वो करने लगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप। जो सेक्टर हमारा था ओनरशिप के फॉर्म में, जब सेक्टर को डिवाइड किया गया ओनरशिप के फॉर्म में, मींस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर, आपने सुना भी होगा ये पब्लिक सेक्टर है क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती थी, और प्राइवेट जहाँ पे गवर्नमेंट का इतना हस्तक्षेप नहीं होता। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब ये एक नया तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासीफाई करते थे सेक्टर के अंदर, कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट। ये होता था तब जब जिन लोगों के बेसिस पे उन जो लोग के पास अपनी खुद की एसेट्स होती थी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे सर्विस को डिलीवर करने में। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट, और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो था हमारे गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर एसेट्स होती थी और ये प्रोवाइड करते थे सर्विसेज। इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या था, ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। जो ओनरशिप होती थी एसेट्स की और जो सर्विस डिलीवर करता था, वो दोनों चीज़ें जो होती थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होती थी और कंपनीज के हाथ में, मीन्स जिसकी कंपनी है उसके पास, गवर्नमेंट की नहीं होगी वो। हम अगर कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं या कोई कंपनी खोले हैं, तो वो सारी चीज़ें एसेट्स भी मेरे होंगे, मेरे हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, जैसे कि रेलवे और पोस्ट ऑफिस जो है हमारा पब्लिक सेक्टर की तरह आता है, लेकिन अब जो है एट द प्रेजेंट टाइम हमें ये सुनने में आ रहा है कि रेलवे को भी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज को दी जा रही है, जैसा कि आपने भी सुना ही होगा। अब देखिए ये एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का, वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है हमारी प्राइवेट ओन कंपनी। अब ये आपने भी सुना होगा कि टाटा की आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी जो है वो जमशेद जी टाटा, दोरबी जी टाटा के द्वारा ये बनाई गई थी कंपनी, इसका भी हेडक्वार्टर जो है हमारा मुंबई में ही है, टिस्को कंपनी इसका शॉर्ट फॉर्म था, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड तो आप सब जानते हैं जिन्होंने हमारे जियो को लॉन्च किया, हमारे मुकेश अंबानी जी का ये कंपनी है जो कि प्राइवेट है कंपनी है, और सारा उनके ही हाथ में इसका सारा भाग दौड़ है, सारी राइट्स उन्हीं के हाथ में, इससे गवर्नमेंट का कोई उतना खास लेना देना नहीं है। इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर मिलेगा, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान सकते हो, आप अपने इंटरनेट पे देखोगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगा, कब बना, कैसे बना, किस किसने इसमें साथ दिया, कौन कौन पार्टनर है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंटरनेट पे मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर, अब जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक्टिविटीज़ होती थी आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, इसका मोटिव जो होता था ये गाइड किया जाता था, उनको बताया जाता था कि सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि आप प्रॉफिट अर्न करो, ठीक है। टू गेट सच सर्विस वी हैव टू पे, इस तरह की सर्विस पाने के लिए हमें पे करना पड़ता था कुछ मनी
to these individuals and company, individuals or companies ko, the purpose of the public sector is not just to earn profit. और जो पब्लिक सेक्टर जो हमारी कंपनीज होती थी उनका मोटिव ये नहीं होता था कि वो प्रॉफिट अर्न करें. गवर्नमेंट रेज मनी, गवर्नमेंट मनी रेज करती थी थ्रू टैक्सेस. टैक्सेस कलेक्ट करके वो रेज करती है गवर्नमेंट मनी हमारे. एंड अदर वे टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर बाय इट. और वो क्या करती थी, दूसरे और भी तरीके से वो क्या करती थी, अपने सारे खर्चों को, एक्सपेंसेस को मीट करती थी अपने सर्विस से रिलेटेड और फिर उसको पूरा करती थी. ठीक है. मॉडर्न डेज गवर्नमेंट स्पेंट ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. मॉडर्न टाइम में गवर्नमेंट जो है हमारी सेल स्पेंड करती है, खर्चा करती है पूरे रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में. वेयर आर दीज एक्टिविटीज़, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है इस तरह की एक्टिविटीज़ में. चलिए आइए देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट. There are several things needed by the society. यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. पर यहाँ पे private sector जो है वो provide नहीं कर सकती है किसी reasonable cost पर. क्यों? Some of these need spending a large sum. क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत होती है कि large sum of money को यहाँ पे spend किया जाए which is beyond the capacity, जो हमारे capacity से बाहर है ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑल्सो कलेक्टिंग अ मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल. और ये क्या है कि यहाँ पे वो थाउजेंड लोगों से कलेक्ट करती है मनी. हु यूज दीज फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी. जो कि जो ये फैसिलिटीज़ यूज़ करता है ये आसान नहीं है. इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स, और ये प्रोवाइड भी करती है इन चीज़ों को, दे वुड चार्ज अ हाई रेट ऑफ देयर यूज़. और इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए वो हाई चार्ज भी करती है, ज़्यादा ज़्यादा लेती है. एग्जांपल आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, रोड का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, ठीक है, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम. तो ये सारी चीज़ों के लिए चार्ज करती है अच्छे खासे. दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग. गवर्नमेंट को क्या करना हुआ कि उन सारी चीज़ों को हैवी स्पेंडिंग को लेना हुआ एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर एवरीवन. और ये इंश्योर करी गवर्नमेंट कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो होगी वो हर किसी के लिए अवेलेबल होगी. देर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए. द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेसेस. और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो कंटिन्यू ना करें अपने प्रोडक्शन और बिजनेस को अनलेस गवर्नमेंट इनकरेजेस, तब तक जब तक गवर्नमेंट उनको कोई भी इनकरेज ना करे. फॉर एग्जांपल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन. जो इलेक्ट्रिसिटी वो बेच रहे हैं जिस कॉस्ट पर जो कि वो जनरेट कर रहे हैं, मे पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उनको क्या अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए गुड्स को इन मैनी इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में. मैनी यूनिट स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट, जो बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल यूनिट्स के अंदर जो बहुत सारे यूनिट्स हैं में माइट हैव टू शट डाउन. उनको ज़रूरी है कि बंद किया जाए. गवर्नमेंट हेयर स्टेप इन प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी. गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए जब वो प्रोड्यूस और सप्लाई कर सके इलेक्ट्रिसिटी एट अ रेट, उस रेट पे विच दीज इंडस्ट्रीज़ कैन अफोर्ड. जिस पे कि इंडस्ट्रीज़ उन चीज़ों इलेक्ट्रिसिटी को वो अफोर्ड कर रही है. गवर्नमेंट हैज़ टू बियर अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. और गवर्नमेंट को बियर करना चाहिए, सहना चाहिए इसके पार्ट ऑफ कॉस्ट को. सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया. गवर्नमेंट की जो इंडिया है बाय करती है वीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर, जो कि फार्मर से किसानों से खरीदती है एट फेयर प्राइसेस. दिस इट स्टोर इन इट गोडाउन. और उसको स्टोर करती है अपने गोडाउन में एंड देन सेल एट अ लोअर प्राइस, जिसको कि वो कम प्राइस पे बेचती है ताकि कंज्यूमर को राशन शॉप पे वो मिल जाए. यू हैव टू रीड अबाउट दिस इन चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, क्लास नाइन्थ के अंदर आपने फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के अंदर पढ़ा था कि वो कैसे फार्मर से ख़रीद करके किस तरीके से उसको कम रेट में हर किसी को पॉसिबल कराती थी. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए. गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ
द कॉस्ट जो गवर्नमेंट है उसको सहना चाहिए इन सारे कॉस्ट को. इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर. इस तरीके से गवर्नमेंट किसानों और कंज्यूमर दोनों को ही सपोर्ट कर सकती है. देर आर लार्ज नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़. यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की. द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस. गवर्नमेंट को इसके ऊपर खर्चे करने चाहिए. प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज ऑन इज वन एग्जाम्पल. सबको हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ये एक सबसे ये एक एग्जाम्पल है. वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज. हमने इस तरह के इश्यूज़ को डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर. रनिंग अ प्रॉपर स्कूल, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट. मतलब ये सारी चीज़ें हमने पहले ही क्लास एक फर्स्ट में चैप्टर वन में डिस्कस कर लिया कि प्रॉपर स्कूल चलाए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, एलिमेंट्री स्कूल को चलाए, ये सारी ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की. इंडिया साइज़ ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन. इंडिया की जो साइज़ है वो इलिटरेट पॉपुलेशन की वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर. सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ, जैसा कि हमें पता है कि नियरली हाफ ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन जो है वो माल नरिश्ड हैं. कहने का मतलब कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है. एंड अ क्वार्टर ऑफ देम, उनके ऊपर जो क्वार्टरली उनमें से जो है एक चौथाई जो है वो क्या है, क्रिटिकली इल, जो कि काफ़ी बीमार हैं. वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट. जैसा कि हमने इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट के बारे में पढ़ा था, जो लोग के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से जो बच्चे एक साल के पहले ही मर जाते थे. उड़ीसा के अंदर 40 था, मध्य प्रदेश के अंदर 48 था. इज़ हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन. और जो कि इससे भी ज़्यादा था उन गरीब वाले पुअरेस्ट रीजन में जो कि वर्ल्ड के अंदर है. गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन. गवर्नमेंट को उस चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए. टू एस्पेक्ट ऑफ ए ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के भी एक पार्ट पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को. सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. गवर्नमेंट को अच्छे साफ पानी प्रोवाइड करने चाहिए, अवेलेबल कराने चाहिए. हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनके लिए हाउस की फैसिलिटी, फूड एंड न्यूट्रिशन की फैसिलिटी, इन सारी चीज़ों पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये भी एक तरह का ड्यूटी है गवर्नमेंट के लिए टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट, ताकि वो ध्यान रख सके गरीबों की. एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन, और जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं रीजन जो कंट्री के हैं उनके ऊपर ध्यान देने के लिए थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरिया, ताकि वो इंक्रीज कर सके स्पेंड करने में इन तरह के एरियाज के ऊपर. तो इस तरीके से ये चैप्टर होता है फिनिश. और कुछ समिंग अप है, आइए पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा. इन दिस चैप्टर वी हैव लुक एट अ वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. इस चैप्टर के थ्रू हमें ये देखने को मिला कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए इनटू सम मीनिंगफुल ग्रुप, जो कि मीनिंगफुल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू एग्जामिन. इनको करने का एक यही रीज़न था कि हमें ये एग्जामिन करने को मिला कि वेयर द एक्टिविटी रिलेट टू प्राइमरी, कौन कौन सी एक्टिविटी है जो कि रिलेट करती है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से. और जो डेटा है हमारे इंडिया का लास्ट 30 ईयर से, वो शो कर रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे मोस्ट ऑफ द जीडीपी के अंदर. द एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी रिमेन इन द प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही है. हमारी भले ही टर्शियरी सेक्टर बढ़ रही है लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है. वी हैव ऑल्सो सीन व्हाट ऑल कैन बी डन. हमने ये भी देखा कि सब यहाँ पे क्या किए हैं फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या क्या किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए कंट्री के अंदर. अनदर क्लासिफिकेशन हमने देखा, कंसीडर्ड किया जहाँ पे लोग काम करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने देखा. मोस्ट पीपल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. ज़्यादातर लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं. प्रोटेक्शन वहाँ पर ज़रूरी है उनके लिए, उन लोगों के लिए जो उस जगह पर काम करते हैं. वी ऑल्सो लुक एट द डिफरेंट बिटवीन. साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि प्राइवेट और पब्लिक एक्टिविटीज़ के क्या डिफरेंसेस हैं एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़, और क्यों ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट पब्लिक एक्टिविटीज़ की टू फोकस ऑन सर्टेन एरिया, ताकि वो सर्टेन एरिया को फोकस कर सके. तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है, जहाँ पे हमें कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके देखा. उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है चीज़ों को ध्यान देना,
कहाँ पे गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, किसी तरह का भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।